नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल ध्यान इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम लोग टोटल 21 क्लोजर्स के सवाल डिस्कस कर चुके हैं। टोटल डिस्कस करने हम लोगों के टोटल 36 सवाल। तो इन सारे सवालों को जिस तरह से अब तक पढ़े हैं, इतने डिटेल से पढ़े, इतनी गहनता के साथ पढ़े, आज भी हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से इन चीज़ों को समझने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ इससे भी बेहतर डिटेल में आगे धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। तो इसके साथ शुरू करते हैं। निभा रहा हूँ अपना किरदार जिंदगी के मंच पर, निभा रहा हूँ अपना किरदार जिंदगी के मंच पर, पर्दा गिरते ही तालियां बजना अभी बाकी है। कुछ नहीं गया हाथ से अभी तो दीप, बहुत कुछ पाना अभी बाकी है। तो अगर छोटी मोटी असफलता आती भी है, असफलता आती है जिंदगी में, इग्नोर कीजिए, आगे बढ़िए। आपके सामने एक बेहतर वक्त है, बेहतर कल है, है ना। अभी बहुत सारा फॉर्म आया हुआ है नौकरी का, भरिए, खूब भरिए, एकदम दीजिए दबा के एग्जाम। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है इन टूडेज वर्ल्ड। देखिए इतना लंबा पैसेज है और मैं पढ़ने जाऊँ इतना लंबा, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। ठीक है, तो मैं एक सारांश धीरे धीरे आपको बताते चलता हूँ ताकि हम समझ सके। देखिए ये बार्गेनिंग पे शुरू है, ये बार्टर सिस्टम होता है ना, बार्टर सिस्टम है। आप इस पैसेज को पढ़ना, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि आप क्या करते हो, इधर से चावल देते हो, इधर से आप आलू देते हो, है ना, इधर से आलू देते हो और उधर से सोना बन के मिलता है ना। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि इधर से आप आलू देते हो और उधर से क्या मिलता है, सोना जाता है। और इस स्थिति में क्या, आप ठगा जाते हो लेकिन बगल वाला ठगा जाता है, लेकिन आप क्या फायदे में हो जाते हो। तो इस तरह से क्या होता है, नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मोदी सरकार आ गया, बोला नहीं भैया ये सोना आलू वाला तिकड़म नहीं चलेगा, GST वाला तिकड़म चलेगा, है ना, कि जितना चीजवा खरीद रहे हो ना तुम उतना ही का पैसवा दो और लिखित में दो, है ना, समझो। तो अच्छा हुआ, है ना। तो बस यही छोटा बहुत मजाक था, पर चलिए देखते हैं, है ना। लिखा हुआ इन टूडेज वर्ल्ड, आज के वर्ल्ड में हैंडलिंग मनी एंड मेकिंग परचेसेस एंड सेल्स कम नेचुरली टू अस। आज के जमाने में क्या है कि खरीदना बेचना या फिर एक जिंदगी का पार्ट बन गया। हाउएवर प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ करेंसी, यानी जब तक करेंसी नहीं बनी थी, पीपल इन ए वैरायटी ऑफ वे, यानी पीपल क्या करते थे, वैरायटी ऑफ वे से क्या करते थे, तो ट्रेड करते थे, है ना। पीपल वैरायटी ऑफ वे से क्या, ट्रेड करते, पीपल ट्रेडेड इन वैरायटी ऑफ ए वे, है ना, समझो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ट्रेडेड हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, द बार्टर ट्रेड, जो बार्टर ट्रेड था ना, देखिए यहाँ पे ट्रेड होगा कि नहीं, इसका यहाँ से एक डिनोटेशन आपको मिल गया कि ट्रेड से होगा बार्टर वन ट्रेडिंग। द बार्टर ट्रेड वाज द सिंपलेस्ट ऑफ देम ऑल, ठीक है, कि जो वैरायटी ऑफ ऑल था उसमें बार्टर सिस्टम क्या था, पहला था। पीपल वुड ट्रेड द थिंग्स दे वोंट फॉर द थिंग, मतलब जो चीज दे वांटेड इन दिस काइंड ऑफ, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, पीपल वुड ट्रेड द थिंग्स दे ओन्ड फॉर द थिंग्स दे वांटेड इन दिस काइंड ऑफ, इन दिस काइंड ऑफ क्या, म्यूटेशन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रांजेक्शन। अब देखिए सब में आंसर लिखा हुआ है, तो लिटरली क्यों ना मैं सबका आंसर ही बदल दूं। चलिए चलने दीजिए, थोड़ा कुछ भी ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत देख भी लीजिएगा आंसर, तो क्या दिक्कत है, है ना। तो दिस काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, है ना, ट्रांजेक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन वांटेड ए सेट ऑफ क्लॉथ्स एंड हैड ए काउ लेफ्ट ओवर, ठीक है, मतलब उसको कुछ कपड़े चाहिए और उसके पास काय है, तो क्या करेगा, ही वुड हैव टू फाइंड समवन हु वांट ए काउ एंड बी सेलिंग टू गिव ए सेट ऑफ क्लॉथ्स। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपको कपड़े खरीदने हैं और आपको, आपके पास गाय ही है बेचने के लिए, तो आपको एक ऐसा ग्राहक दुकानदार ढूंढना पड़ेगा जो गाय आपके लिए ले लेगा और आपको कपड़े दे जाएगा, है ना। बार्टर सिस्टम यही है कि मेरे पास जो है हम आपको दे देते हैं, आपके पास जो है आप हमको दे दीजिए। लेकिन ये तो दिक्कत वाली बात है कि भैया वो आदमी किधर ढूंढेगा जिसको गाय चाहिए। मान लीजिए ऐसा आदमी मिल गया जिसको गाय चाहिए, तो वो आदमी आपको कपड़ा बेच रहा होगा तभी तो, उसके पास कपड़ा बेचने के लिए होगा तभी तो, मतलब क्या एक झंझट वाला सिस्टम था। However, it wasn't a straightforward, इतना सीधा भी नहीं था। As give and take, the people would be cheated, कि people अक्सर cheat कर दिए जाते थे, है ना, कि कपड़ा देगा दू गो, बोलेगा भैया 600, आप गैया दीजिए एक गो, बोलेगा 10,000, है ना, तो भैया ठगा जाएगा, गैया देगी कि नहीं देगी, कपड़ा 200 रुपये का कि 600 रुपये का, पता ही नहीं चलता था, है ना, जिसको जितना मर्जी होगा वो उतना रेट ले लेगा। तो देखिए लिखा हुआ है, तो कंसेप्ट, देखिए कंसेप्ट यहाँ क्यों होगा ना, कंसेप्ट मतलब होता है मूल सिद्धांत, है ना। द कंसेप्ट आप बायोलॉजी में है, मैथ में है, वहाँ पर एक भी वर्ड इस्तेमाल, कंसेप्ट क्या है, तो मतलब इसका मूल सिद्धांत क्या है, मूल उत्पत्ति का स्रोत क्या है, तो यही कंसेप्ट के अंदर आ जाता है सारा। ओपिनियन आप बोलिए,
बिली बोलिए, नोशन बोलिए, सब क्या है, प्रिंसिपल बोलिए, सब क्या है, कंसेप्ट का पार्ट है ना। कंसेप्ट क्या है, मूल सिद्धांत है, मूल चीज से सारी चीजें आई है ना, मूल चीज से सारी चीजें आई, ऐसे नहीं। देखिए आजकल एक अच्छा डायलॉग चल रहा है कि कोरोना से बचने के लिए तो वैक्सीन ली थी, अब वैक्सीन से बचने के लिए क्या लूँ, है ना। कोविशील्ड के बारे में पता चला कि हार्ट अटैक आ रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं, तो वही है कि वैक्सीन ले लिए थे कोरोना से बचने के लिए, अब वैक्सीन से बचने के लिए क्या लूँ। ठीक है, तो इतना चीज समझ गए आप लोग कि कंसेप्ट क्यों आएगा, क्योंकि कंसेप्ट मूल सिद्धांत होता है, मतलब वो चीज आई कैसे, है ना, उसके पीछे रहस्य क्या है। तो कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ मनी, द कंसेप्ट ऑफ मनी फाइनली टुक रूट इन पीपल्स माइंड आफ्टर मेनी, बहुत सारे बात लिया, ठीक है। लिखा हुआ द यूजुअली इरेटिक बार्टर ट्रेड इवेंचुअली गिव वे टू द मॉनेटरी मेथड ऑफ एक्सचेंज, एट फर्स्ट एनीथिंग कुड बी यूज सच ए बुक सच ए हुज मनी ब्रेड मनी सेल और ट्रिगर, मतलब बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल किया गया पैसों के लिए। अब द फर्स्ट गोल्ड क्वाइन वर यूज एज ए करेंसी नियर टर्की एंड ईच क्वाइन हैड ए डिफरेंट डिनोमिनेशन इन द किंगडम ऑफ लिडिया, द वैल्यू ऑफ ईच क्वाइन वाज फर्स्ट स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड आइज इन, मतलब लिनिया में जो था एक वैल्यू दिया गया उस सिक्के का। हाउएवर एज टाइम पास द आइडिया ऑफ कैरिंग ए बल्की क्वाइन पाउच, पाउच मतलब क्या होता है, पहले लोग सिक्कों का थैला लेके घूमते थे, आपने भी देखा होगा राजा रानियों को किसी को पैसे देने होते थे ना तो सिक्कों का एक पाउच दे देता था, लो इतना रुपए है ना। तो लिखा हुआ है कि ये क्या लिखा हुआ है, इसे पढ़िएगा, लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ क्वाइन इतना था, हाउएवर एज टाइम पास जैसे जैसे समय पास हुआ द आइडिया ऑफ कैरिंग ए बल्की क्वाइन है तो भारी भरकम क्वाइन बिकम लेस बन गया, क्या बिकम लेस बन गया, सवाल उठता है ना। तो इनचेंटिंग तो और बीविचिंग होगा नहीं, होगा तो अलूरिंग अपीलिंग। देखिए अलूरिंग मतलब होता है ना कि जो हार्ट तक को भी अफेक्ट कर दे, मतलब बहुत ज्यादा है ना, समझो अट्रैक्टिव होना, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना है ना, फैसिनेटिंग होना, मतलब उत्साह बढ़ा देने वाला, अल्यूरिंग बोलते हैं। जैसे आपके सामने मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या अल्यूरिंग है ना, कोई पसंद आ गया, अल्यूरिंग है। लेकिन अपेलिंग नीड के केस में प्रयोग होता है, देखिए दोनों का मतलब होता है आकर्षण, आकर्षक, लेकिन अपीलिंग सिर्फ जरूरत की चीजों की पड़ता है, जैसे अच्छी अच्छी चावल की जरूरत है, अच्छे अच्छे चाकू की जरूरत है, अच्छे अच्छे कपड़े की जरूरत है, तो ये सब अल्यूरिंग नहीं होता है ना, फैसिनेटिंग नहीं होता। आप कपड़े खरीदते हो, देखते यार फट गया, अपने आ जाके खरीदे, वो क्या एक अपीलिंग है, आकर्षक है, लेकिन जरूरत के हिसाब से। अल्यूरिंग मतलब हुआ ऐसे जिसके बिना काम ना, जिसके आपको लगे यार नहीं मेरे को तो चाहिए, जैसे कोई बोल देगा चलो महिंद्रा कार दिलाते हैं, तो क्या वो एक अल्यूरिंग हो जाएगा, वो अपीलिंग चीज नहीं है। कार तो आप नॉर्मल भी ले सकते हो, दैट इज अपीलिंग, बट आप महिंद्रा कार लोगे है ना, आप महंगी महंगी आप रोल्स रॉयस लोगे, वो क्या है अल्यूरिंग हो गया, मतलब क्या फैसिनेटिंग चीज है, हार्ट से ज्यादा मतलब पसंद करने वाली चीज है, समझो। आगे पढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल, लिखा हुआ है कि दीज वर नॉट ओनली लाइट वेट बट ऑल्सो डेटेड रॉबरीज, मतलब हो सकता है कि मतलब जब क्वाइन को धीरे धीरे बंद करके कुछ और सिस्टम पे लोग आ गए, तो इसने ना सिर्फ चोरी को बंद किया बल्कि रॉबरी को भी बंद कर दिया। इन अकॉर्डेंस विद दिस कॉन्सेप्ट बैंक्स लेटर इशूड नोट्स इन एक्सचेंज फॉर डिपोजिटेड गोल्ड, कि जो देखिए यहाँ पर डिपोजिटेड गोल्ड ही होगा कि लोग बैंक में जाकर गोल्ड डिपोजिट करते हैं, तो लोग बैंक में जाकर गोल्ड डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं, इसलिए बोला डिपॉजिटेड गोल्ड है ना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, 22 नंबर सवाल आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कहानी बहुत बड़ी है, लेंदी है, फालतू है, छोटी छोटी कहानियों से ही अर्थ निकल जाता है ना। अब इतनी बड़ी बड़ी कहानी 5 क्वेश्चन के लिए सिर्फ समय खाएगा, तो एग्जाम में जब ऐसा सवाल आए ना, तो ज्यादा दिमाग लाइन बाय लाइन पढ़ने मत लगाइएगा, सीधा ऑप्शन पे अटैक कीजिएगा है ना। देखिए जब मैं आपको क्लोज टेस्ट पढ़ा रहा था ना, जब मैं आपको क्लोज टेस्ट पढ़ा रहा था, तो मैंने उसमें एक वर्ड बताया था आपको, ग्लोसारी। ग्लोसारी मैंने क्यों बताया था, मैंने बताया था कि जो क्लोज टेस्ट होगा ना कोई फील्ड है, कोई कोई टॉपिक के संबंधित होगा, और उस फील्ड और उस टॉपिक की एक अपनी शब्दावली होती है, उस फील्ड या उस फील्ड की टॉपिक की एक अपनी शब्दावली होती है, जिसको इंग्लिश में ग्लोसारी बोलते हैं। लिटरली यदि आप स्पेस सेक्टर में हो, तो स्पेस सेक्टर की एक अपनी शब्दावली होगी है ना। तो लिटरली इसीलिए बोला जाता है सबको कि हिंदू आर्टिकल पढ़ो, लेकिन इतना समय नहीं है कि हम लोग आर्टिकल पढ़े, लेकिन पढ़ना चाहिए, थोड़ा हिंदू आर्टिकल पढ़े, मान लीजिए स्पेस से कुछ आता है, तो स्पेस की जो भी टर्मिनोलॉजी होगी, जो वहाँ की शब्दावली वो आपको सीखने को मिलेगा। मान लीजिए एनवायरमेंट से सवाल आता है, तो एनवायरमेंट की जो शब्दावली, जो ग्लोसारी, वो आपको सीखने को मिलेगी। मान लीजिए IT सेक्टर से आता है, टेक्नोलॉजी से आता है, तो उस सेक्टर की जो शब्दावली है वो आपको सीखने और समझने को मौका मिलेगा। तो इसलिए आर्टिकल यदि मन करे, कभी इच्छा हो, कभी समय निकले, तो जरूर पढ़ लेना चाहिए। और देखिएगा इस ग्लोसारी का यहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा, लिटरली आप पूरा
पूरा पैसेज पढ़ोगे ना, इसका पूरा पैसेज पढ़ोगे आप देखोगे कुछ भी कंफ्यूजिंग नहीं है, बस इस फील्ड का वर्ड मांगा गया है ना, कंफ्यूजन है बस इस फील्ड का वर्ड मांगा गया। यदि इस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं है आपको, आप इसका वर्ड ढूंढ नहीं पाइएगा, तहाँ से कन्फ्यूज होते रहिएगा, फिर किताब में ढूंढिएगा, वहाँ लिखा होगा कि इसके लिए ये वर्ड आता है, इसके लिए नहीं होता है। मेरे बताइए, हजारों वर्ड है, हजारों वर्ड का क्या एक्सप्लानेशन आप जान सकते हैं क्या? क्या उसके बीच में जो माइन्यूट डिफरेंट है, जो माइन्यूट बहुत कम डिफरेंस, मतलब अर्थ तो दोनों का पता है लेकिन जो माइन्यूट वाला छोटा छोटा डिफरेंस है ना, क्या वो पकड़ पाइएगा? नहीं पकड़ पाइएगा। तो उस चक्कर में जबरदस्ती उसका डिफिनेशन नहीं निकालना है, वो उस फील्ड का वर्ड है, उसके लिए एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, है ना, वो उस फील्ड का वर्ड है। अगर स्पेस सेक्टर बोलता है किसी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, किसी चीज़ को हम पार्टिकल बोलेंगे, किसी चीज़ को हम प्रोनाउन बोलेंगे, किसी चीज़ को हम नाउन बोलेंगे, किसी चीज़ को हम एटम बोलेंगे, तो उसकी शब्दावली है। आप केमिस्ट्री किसी चीज़ को एटम बोलेगा, आप उसको पार्टिकल बोल दीजिएगा, कोई मीन्स नहीं बनता। आप क्या करो, केमिस्ट्री का अपमान कर रहे हो, जो उस क्षेत्र की शब्दावली है उसका इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है ना। तो देखिए, लिखा हुआ एनी दैट रिवॉल्व्स अराउंड या प्लैनेट इज ए सैटेलाइट। अब यहाँ क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, एनी ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड ए प्लैनेट इज क्या है, सब्जेक्ट सैटेलाइट है। देखिए, पीस होगा नहीं, बींग होगा नहीं, बॉडी हो सकता था, एनी बॉडी दैट रिवॉल्व, लेकिन ये क्या है, स्पेस सेक्टर की वर्ड नहीं है, बॉडी स्पेस वर्ड नहीं। यदि आप बॉडी बोलोगे ना, इसका मतलब होगा सैटेलाइट मान लीजिए एक बनाए और इसके ऊपर जो खोपड़िए चढ़ाए थे ना, उसको हम बॉडी बोलेंगे। तो लिटरली इसका मतलब ये तो नहीं है। स्पेस सेक्टर या किसी भी सेक्टर की एक अपनी ग्लोसारी होती है और हम लोग उसी का प्रयोग करते हैं। जबरदस्ती ना पढ़ें ना समझें कोई फायदा नहीं आएगा, आप एग्जाम में गड़बड़ करके बैठ जाओगे। ठीक है, यहाँ बॉडी हम जो बोल दिया ना कि जो कॉर्नर कॉर्नर वाला कोना कोना वाला होता है, जरूरी नहीं है, बॉडी मतलब पूरा शरीर भी होता है, लेकिन इस फील्ड में बॉडी का मतलब होता है कि बाहरी पार्ट, अंदरूनी पार्ट में, तो इसलिए यहाँ बॉडी प्रयोग नहीं होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए सेकंड लाइन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द अर्थ इज सर्कल्ड बाय लॉट ऑफ मैन मेड आर्टिफिशियल इन 1957 द सोवियत स्पुतनिक वाज द फर्स्ट टू बी लॉन्च इन टू स्पेस। की अब लॉन्च भी क्या है, स्पेस सेक्टर का वर्ड। अब यहाँ पर इनेबल्ड करके इंसर्ट करके कुछ भी जबरदस्ती वर्ड नहीं लगाएंगे, है ना। लॉन्च किया गया, टॉस मतलब फेंकना, जैसे सिक्का को हम लोग टॉस करते हैं ना, वो नहीं होगा, है ना, लॉन्च्ड हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग, और इसमें देखिए लिखा हुआ है व्हेन द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज एग्जैक्टली राइट, है ना, दीज टू अपोजिंग फोर्सेज आर बैलेंस काउजिंग द सैटेलाइट टू मूव टुवार्ड्स द अर्थ। देखिए स्पेस सेक्टर का ही वर्ड है मूव, द सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ या अराउंड द सर्कल या रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, है ना, ये माइग्रेट स्टीयर जंप हिलाना डुलाना कुछ भी ऐसा अर्थ नहीं होता है, समझो। चलिए फोर नंबर देखते हैं, फोर नंबर में आप देखिएगा लिखा हुआ है दीज आर हेल्पिंग एड इन वेदर फोरकास्टिंग, रेडियो रिसीवर एम्पलीफायर ऑन कम्युनिकेशन सैटेलाइट कैन वेव बैक्स एट ए फ्रीक्वेंसी दैट इज डिफरेंट। तो मतलब यहाँ क्या सेंड हो जाएगा, सेंड वेव्स बैक, यानी ये क्या कर सकते हैं, जो रेडियो सैटेलाइट या रिसीवर सैटेलाइट वो सिग्नल को क्या सेंड वापस करते हैं, वापस भेजते हैं। देखिए डिलीवर मतलब होता है जैसे कुछ डिलीवरी वाला होता है, आजकल कुरियर में हो जा रहा है, सर्विस को भी आप क्या करते हो, डिलीवर करते हो। कोई टास्क मिलता है आप उसको क्या करते हो, कंप्लीट करते हो, डिलीवर करते हो, समझो। कोई सर्विस भी मिलता है आप उसको क्या करते हो, डिलीवर करते हो। कोई जिम्मेदारी मिलता है वो भी आप क्या डिलीवर करते हो, लोकेट पता कर। डिस्चार्ज मतलब ये होता है सेवा डिस्चार्ज करना या फिर कोई जगह से आपको निकाला जाना, डिस्चार्ज है ना, जैसे आज हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज हो गए ऐसा कुछ। लेकिन स्पेस सेक्टर में सेंड इस्तेमाल होता है कि वी आर सेंडिंग, वी आर नॉट डिस्चार्जिंग सैटेलाइट, ऐसा प्रयोग नहीं होता है, उस क्षेत्र का वर्ड है, है ना। उस क्षेत्र में आप डिस्चार्ज डिलीवर, जैसे क्या होता है कि अभी क्या स्पेस शटल बन रहा है, स्पेस शटल बन रहा है, ठीक है, स्पेस शटल बन रहा है, ये अपने पास एक सैटेलाइट लेके जाएगा और इसको क्या करेगा, स्पेस में डिलीवर कर देगा। लेकिन जो सिग्नल होगा स्पेस से वो यहाँ पे डिलीवर नहीं, वो यहाँ पे सेंड होगा। डिलीवर मतलब समथिंग ट्रांसमिट करके ले जाना, ट्रांसपोर्टर ट्रांसमिटिंग मटेरियल का इस्तेमाल करके वहाँ डिलीवर इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन सिग्नल तो आएगा ना, तो भैया वो सेंड करेगा सैटेलाइट, समझो। चलिए फाइव नंबर सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है टेलीविजन सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर यूजिंग ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट एंड साइंटिस्ट कैन एक्सेस, है ना, एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, बाकी अप्रोच इंग्रेस एंट्री कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 नंबर सवाल है, और ये जो सवाल है आपका ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है ना, तो एग्रीकल्चर से तो इस क्षेत्र की शब्दावली की जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपको बार बार एक वर्ड मिलेगा, देखिए मैं पूरी पैसेज को आप पढ़ोगे ना, इसमें दिखाया गया एक तुलना मैन्यूर से किया गया है और एक तुलना केमिकल फर्टिलाइजर से किया गया है। ठीक है, देखिए मैन्यूर मतलब हुआ बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, जैसे गोबर,
है ना, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर एक हुए केमिकल फर्टिलाइजर। तो यहाँ मैन्यूर के फायदों के बारे में कि मैन्यूर जो है हमारी जिंदगी में पर्यावरण में लोग कैसे है, कैसे मैन्यूर के बारे में लोग समझ पाए कि मैन्यूर क्या काम करता है। तो सिंस द 17th सेंचुरी मैन्यूर हैज बीन यूटिलाइज इन एग्रीकल्चर, 17वीं शताब्दी से ही मैन्यूर का इस्तेमाल। इन दोज डे दे डिडंट नो हाउ प्लांट गोट द दे नीडेड। देखिए यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस्तेमाल होगा, न्यूट्रिएंट और इनग्रीडियंट, देखिए ये दोनों तो होगा नहीं, अब यही दोनों में से कोई एक होगा, इनग्रेडियंट होगा न्यूट्रिएंट होगा। देखिए जैसे ये एक MDH मसाला है, तो MDH मसाला में क्या बहुत सारा चीज़ होता है, तो मान लीजिए बहुत सारा चीज़ है ना, तो ये इसका क्या इनग्रेडियंट है, इनग्रेडियंट है। यानी जब भी कोई चीज़ में बहुत सारी चीज़ मिली हो ना, तो हर एक चीज़ को उसका हम लोग इनग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे आप सूप बना दो, सूप में बहुत सारा चीज़ है, तो उसका इनग्रेडियंट कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, सूप का जो मसाला होता है वो है प्याज है, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, मिर्च है, मसाला है, बस क्या वो इसका इंग्रेडिएंट है। लेकिन न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स होता है जिसको मान लीजिए आपकी बॉडी है, इसको चलने के लिए, इसको ताकत के लिए बहुत सारा एलिमेंट चाहिए, तो जो जो एलिमेंट इसको चलने के लिए चाहिए ना, वो इसका न्यूट्रिएंट्स है, समझो। यानी न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, गिव एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स क्या करता है प्रोवाइड एनर्जी। यानी न्यूट्रिएंट्स इसको कहेंगे जिससे हमको एनर्जी मिलता है, कुछ ताकत मिलता है। जैसे शरीर में मान लीजिए शरीर में हड्डी मजबूत नहीं हो रहा, तो सोडियम रूपी न्यूट्रिएंट्स हम लोग खाते हैं, हड्डी क्या मजबूत हो, शरीर को कमजोरी बुझा रहा है, तो हम लोग ग्लूकोन डी पी जाते, तो ग्लूकोन डी क्या हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स जैसा काम करेगा, है ना। इंग्रेडिएंट्स मतलब सिंपली हो गया कि वो चीज़ बना किससे है, उसको इंग्रेडिएंट बोलते हैं, है ना। तो देखिए लिखा हुआ है, तो न्यूट्रिएंट्स आप समझ गए। सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं कि पहले के जमाने के लोग नहीं जानते थे कि जो प्लांट को जो चीज़ चाहिए कि वो न्यूट्रिएंट, यानी जो प्लांट को एनर्जी दे, ताकत दे, वो न्यूट्रिएंट उसको कैसे मिला। दे वुड टॉस टॉस वुड डेबरीज, क्या करेंगे वुड डेबरीज, वुड का जो छलवा होता है वो फिशरी में जो मछलियों के होते हैं, अन अदर साइड इफेक्ट्स इन एन अनफिल्ड लैंड टू डिस्पोज ऑफ देम, कि वो जा करते थे कि पहले जमाने में लकड़ी हुआ जो भी कचरा उचड़ा मिलता था सब लैंड में फेंक देते थे, ये सोच के कि वो डिस्पोज हो जाएगा उधर, लेकिन उनको नहीं पता था कि यही चीज़ उनके लिए खाद बन जाएगा। हाउएवर इट वाजंट लॉन्ग बिफोर पीपल बिगन टू नोटिस दैट द ग्रास बसेस श्रब्स दैट वर बिगनिंग टू, यानी जो ग्रास श्रब्स और फ्लर्स जो देखिए वो लोग क्या करता था ना कि जो कचड़ा चीज़ होता था सब जमीन में फेंक देता था कि वो सड़ जाएगा गल जाएगा, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि ये चीज़ गल चुके ना, जो मिट्टी होगी उसको एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स देगा, उसको ताकत देगा, जिसके कारण क्या हुआ बहुत सारे जड़ घास उगेंगे, बहुत सारे झाड़ियाँ उगेंगी, बहुत सारे श्रब्स मतलब क्या जड़ी बूटियाँ उगेंगी, एंड दे विल बिगन टू फ्लोरिश, वो फूल फल बनने में तैयार हो जाएंगे, दे उस सब्ज का क्या होगा फूल फल बनेगा, है ना। दे विल क्या करेंगे फ्लोरिश करेंगे, उसका फल फूल बनना शुरू हो जाएगा। ओबियसली जब फसलें थोड़ी बड़ी होती है तो हम लोग गोबर छिड़क देते हैं ना, ताकि उनमें जल्दी वृद्धि हो, जल्दी एनर्जी है, जल्दी फ्लोरिश करना शुरू करें, ठीक है। दे केम टू द कंक्लूजन दैट सोयल सप्लाइड द प्लांट्स विद द न्यूट्रिएंट्स दे नीडेड एंड द ऑर्गेनिक रिमेंट्स कुड ऐड इन दिस प्रोसेस, यानी जो ऑर्गेनिक रिमेंट्स जो हम लोग जमीन पर डाले थे ना, वो इस प्रोग्रेस को बढ़ावा देता है, वो इस फ्लोरिशमेंट को बढ़ावा देता है, बिकॉज मैन्यूर यानी गोबर जो है इज फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट। देखिए क्या होता है यहाँ डिराइव वर्ड इस्तेमाल होगा ना, कि गोबर को बनाया नहीं जाता है, उसको वहाँ से लिया जाता है, उसको डिराइव किया जाता है। मैन्यूर मतलब होता है गोबर से बना खाद, समझे, मैन्यूर मतलब क्या होता है गोबर से बना खाद, तो जो मैन्यूर होता है वो एनिमल और प्लांट से डिराइव किया जाता है ना, उसको वहाँ से लिया जाता है, ठीक है। देखिए 4 नंबर से वाला, 4 नंबर बहुत दूर तक नहीं है तो मैं क्यों जाऊँ पढ़ने। कॉमर्शियल फर्टिलाइजर इन कंट्रास्ट टू मैन्यूर एंड मोन्यूर के विद्युत आर इन ऑर्गेनिक, देखिए नेगेटिव वर्ड मांग रहा है ना, लिखा हुआ इन कॉन्ट्रास्ट टू मैन्यूर मतलब मैन्यूर के खिलाफ जाकर, मतलब क्या नेगेटिव वर्ड चाहिए, तो मतलब डिराइव तो हो गया 3rd नंबर में, तो यहाँ सबस्टांस नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ नहीं है, तो आपका सबस्टांस हो जाएगा, ठीक है। तो और लिखा हुआ है कि इन ऑर्गेनिक सबस्टांसेज दैट डू नॉट अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, देखिए लिखा हुआ है फर्टिलाइजर्स और दे कुड इंड अप, देखिए वर्ड बेस्ड एरर है और मैं इस सब में ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। लिखा हुआ है रेन वाटर कुड वाश अवे दीज फर्टिलाइजर, की रेन वाटर जब आएगा तो ये फर्टिलाइजर को वाश कर, दे कुड इंड अप हार्मिंग द प्लांट इंस्टीड ऑफ कोस्टिंग द फार्मर मनी, है ना, इंस्टीड एंड कोस्टिंग द फार्मर मनी, तो इससे क्या फार्मर को क्या करेगा नुकसान करेगा, समझो। यानी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करोगे जब बारिश आएंगी तो नदियों तालाबों में चल जाएगा, मछली मर जाएगा, चिड़ी चिड़ियाँ खाएगी, फसलों में जाएगा, फसलों का जो अवशिष्ट है जो चिड़चिड़िया खाएगी उसको तकलीफ होगा। देखिए 25 नंबर भी आप सवाल पूरा पढ़ो ना, ये 25 नंबर पढ़ो, तो ये भी टेक्नोलॉजी से बेस है और दूसरा वर्ड बेस्ड है, ठीक है। तो वर्ड बेस्ड पढ़ते हैं धीरे धीरे, क्या करें हम भी मजबूर हैं कि इतना लंबा लंबा कहानी है, छोटा छोटा अक्सर ढूंढना है। देखिए लिखा हुआ है द मॉडर्न वर्ल्ड रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है ना, सर्कल उर्कल कुछ नहीं, रिवॉल्व घूम अराउंड द टेक्नोलॉजी, है ना,
टेक्नोलॉजी के चारों तरफ घूम रहे हैं। और सेकंड ऑप्शन पढ़िएगा कि लिखा हुआ लाइफ है यानी कि दैट यूज लाइट सिग्नल टू ट्रांसमिट डेटा, यानी डेटा को क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसमिट करते हैं, कम्युनिकेट वगैरह कुछ नहीं, कम्युनिकेट हम लोग करते हैं बातों को, बातों को कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन डेटा वगैरह को क्या ट्रांसमिट किया जाता है ना। ठीक है, थर्ड नंबर पढ़ते, ऑन द अदर हैंड सच रैपिड प्रोग्रेस कम विद सम, देखिए ऑन द अदर हैंड लिखा हुआ है मतलब सच रैपिड प्रोग्रेस क्या पॉजिटिव है, यहाँ एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, मतलब देखिए लाइबिलिटी तो होगा नहीं, स्नैग हो सकता था, ड्रॉबैक हो जाएगा आंसर इसका। स्नैग मतलब होता है जैसे कंप्यूटर धीरे धीरे चल रहा है, कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया तो उसको स्नैग बोलेंगे, ड्रॉबैक्स मतलब होता है कमियां, जैसे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आ रही है उसके साथ कुछ कमियां भी आ रही है, जैसे कंप्यूटर आ गया वो दिमाग लगा के खुद सोच नहीं सकता, उसकी क्या एक ड्रॉबैक्स है ना, कंप्यूटर को बार बार चार्ज में जरूरत पड़ता है, बैटरी लाइन चला गया तो फिर लैब कंप्यूटर नहीं चलता, उसकी क्या ड्रॉबैक्स है, हम लोग तो घास फूस खा के भी जिंदा रह सकते हैं, मजाक कर रहा था। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है मुझे 3 बार फेल होने के बाद पता चला कि समबाहु और विषमबाहु राक्षसों के नाम है, त्रिभुज के नाम है, राक्षसों के नहीं त्रिभुज के नाम है। ठीक है, तो बस है ना, कि समबाहु और विषमबाहु जो है राक्षसों के नाम नहीं है बल्कि त्रिभुज के नाम है ना, समझो। तो 3 नंबर हो गया आपका, 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि डेटा अनलेस रैंसम मैप एंड और मेड पर्सनल एंड डेटा कंटिन्यू टू बी स्टोलन, यानी पर्सनल क्या चीज़ों को बार बार स्टोलन हो रहा है, तो कॉन्फिडेंशियल मतलब सेक्रेट डेटा है ना, कि पर्सनल और जो सेक्रेट डेटा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है कंटिन्यूज टू बी स्टोलन फ्रीक्वेंटली, देखिए यहाँ भी ऑपरेशन सेक्रेट है यहाँ कॉन्फिडेंशियल, लेकिन कॉन्फिडेंशियल ही प्रयोग होगा। ठीक, समथिंग कॉन्फिडेंशियल होता है पीपल के कैसे प्रयोग होता है, सेक्रेट तो पासवर्ड भी होता है ना समझो, कॉन्फिडेंशियल पर्सन के रूप में इस्तेमाल होता है लेकिन सेक्रेट तो पासवर्ड के लिए भी होता है। ठीक है, तो आगे लिखा हुआ है हाउएवर टेक्नोलॉजी बेनिफिट इट्स ड्रॉबैक, बहुत अच्छा लाइन है और इसमें एक वर्ड आपको सीखना मिलेगा आउटवे, आउटवे मतलब होता है कोई चीज किसी से तुलनात्मक करना, तुलनात्मक रूप से बेहतर होना, तुलनात्मक बेहतर होना आउटवे मतलब होता है, जैसे एडवांटेजेज, जैसे मान लीजिए कोई चीज का एडवांटेज ज्यादा है उसके डिसएडवांटेज, जैसे गोलियां हैं जो आजकल मेडिसिन गोलियां आती हैं वो क्या उसके एडवांटेजेज जो है वो ज्यादा है उसके डिसएडवांटेज, तो एडवांटेजेज ऑफ मेडिसिन, एडवांटेजेज ऑफ मेडिसिन आउटवे, आउटवे द डिसएडवांटेजेज, आउटवे द डिसएडवांटेजेज। ठीक है, समझे, कि जो मेडिसिन के एडवांटेज है, यानी आप जब किसी दो चीजों की तुलना करते हो और एक चीज को बेहतर बताते हो तो उस केस में हम लोग एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं आउटवे, है ना, आउट। ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब तुलनात्मक अध्ययन दो चीजों के बीच में एक चीज को श्रेष्ठ दिखाना जाता है उसमें हम आउटवे वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये ठीक, ये आपका यही होगा, बाकी सब फालतू वर्ड है। चलिए ठीक है, 26 नंबर वर्ड देखते हैं, पैसेज देखते हैं। लिखा है वी नो इनफिनिटली, हम लोग तो बहुत कुछ जानते हैं अबाउट द वेल्दी पीपल ऑफ इविट, वी नो इनफिनिटली मच अबाउट द वेल्दी आर मोर अबाउट द, देखिए मोर जो है ना ये कॉम्पेरेटिव डिग्री भी है और एक एडवर्ब भी है, समझो, ध्यान रखिएगा कि मोर एक कंपैरेटिव डिग्री और एडवर्ब भी है। ठीक है, तो वी नो इनफिनिटली, इनफिनिटली यहाँ पर किसके लिए आया, वर्ब के लिए, एडवर्ब का प्रयोग हुआ है और एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब ही बताते हैं, एडजेक्टिव नहीं बताता है, इसलिए यहाँ मोर का प्रयोग है, मच आपका एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा, इनफिनिटली क्या आपका एडवर्ब है, एडवर्ब की विशेषता एडवर्ब ही बताता है, एडजेक्टिव नहीं बताता, इसलिए यहाँ पे चूंकि इनफिनिटली प्रयोग, इसलिए यहाँ पे मोर का प्रयोग है, मोर, वी नो इनफिनिटली, हम लोग बहुत जानते हैं किसके बारे में भाई, मोर अबाउट द वेल्दी पीपल ऑफ इविट देन वी डू अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल, यानी हम वेल्दी पीपल के बारे में तो जानते हैं लेकिन ऑर्डिनरी पीपल के बारे में नहीं जानते। आज भी हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं, जो इतिहास की हमारी किताबें हैं उसमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में कोई चर्चा नहीं, जो खास आदमी थे, जो वेल्दी आदमी थे उनकी चर्चा, जैसे जवाहरलाल नेहरू की चर्चा है, महात्मा गांधी की चर्चा है, क्योंकि अमीर लोग था, है ना, एज मोस्ट मोन्यूमेंट्स वर मेड फॉर द रिच, कि जितने भी मोन्यूमेंट्स बने हुए हैं वो अमीरों के बने, गरीबों के नहीं बने, सुभाष चंद्र बोस ने इसका, भीमराव अम्बेडकर जी अमीर घर से थे, लोग नफरत करते थे अलग चीज है, लेकिन अमीर आदमी थे तो इनके मोन्यूमेंट्स बनते हैं, गरीब आदमी का मोन्यूमेंट थोड़ी ना बनता है। हाउसेस इन विच ऑर्डिनरी इजिप्टियन लिव्ड हैव नॉट बीन प्रिजर्व्ड, है ना, कि जहाँ पे ऑर्डिनरी इजिप्टियन रहते थे, जहाँ ऑर्डिनरी इंसान उनके घर को प्रिजर्व नहीं किया गया, व्हेन मोस्ट पीपल डाइड देवर बरीड हो जाएगा, है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देवर बरीड, यानी डाल दिया जाता था ना, देवर बरीड इन सिंपल ग्रेव्स, है ना, यहाँ पे वर के बाद B3 आ जाएगा, B4 आ सकता था लेकिन क्या ये पैसिव में है, कि उनको गाड़ा जाता था, वो खुद नहीं गाड़ा जाते थे। ठीक है,
मॉन्यूमेंट्स ऑफ द रिच देखिए लिखा हुआ है कि इन द सिंपल ग्रेव, सिंपल ग्रेव में कहा जाता था मोस्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है ना अबाउट द ओल्ड किंगडम है ना, अबाउट द ओल्ड किंगडम यही पर होगा, आर मोन्यूमेंट्स ऑफ द रिच या पर्सनालिटी रिच रिच ऑफ द रिच लाइक पिरामिड्स ऑन टॉप, यानी जितने भी मोन्यूमेंट्स बनाए गए हैं आर ऑल अबाउट द ओल्ड किंगडम, कि एक पुराने राजाओं के बारे में बनाए गए हैं, और जो मोन्यूमेंट है लाइक एकदम पिरामिड और टॉम के जैसे, या तो वो पिरामिड बनाए गए या टॉम जैसे, इवन पपियारी कम मेनली फ्रॉम पिरामिड टेम्पल्स। ठीक है, फाइव नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, लिखा हुआ है बट दिस डज नॉट मीन दैट डेथ वाज द इजिप्टियंस ओनली प्री ऑक्यूपेशन, तो पट हो जाएगा ये है ना, समझो तो लिखा हुआ है पेपरी, ये पॉजिटिव लाइन है और इसके बाद से बट के बाद नेगेटिव, ये बट वाला सेंस में ही हो सकता है कि एक तरफ पॉजिटिव हो और एक तरफ नेगेटिव सेंस दे। तो इस तरह से हम लोग पांच बार डिस्कस कर चुके हैं, कल फिर ये वीडियो आपके सामने अपलोड हो जाएगी, आप ये क्लोज टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल ध्यान इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 36 क्लोज टेस्ट, जिसमें से टोटल हम लोग 26 क्लोज टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं, यानी ये आपकी बस एक सेकंड लास्ट वीडियो होने वाली है जिसमें हम लोग और भी क्लोज टेस्ट आपको बताएंगे। इस क्लोज टेस्ट की सबसे, इस वीडियो में सबसे अच्छी जो बात थी जो आपको सीखने को मिलेगा वो पता चलेगा कि रिटर्न कहाँ इस्तेमाल करते हैं, रिवर्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं, बैक कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टर्न कहाँ इस्तेमाल करते हैं, रिट्रीट कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और ये सारे सवाल CGL के और SSC के प्रीवियस बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। मैं आपको शुरू की वीडियो में बताया था, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास कोलोकेशन की जानकारी होनी चाहिए। मैंने एक चीज़ क्लियर में मैं आपको बताया थी कि कोलोकेशन की जानकारी होनी चाहिए। कोलोकेशन क्या होता है? सिंपली होता है कि कुछ वर्ड होते हैं जिसके समान अर्थ होते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहे होंगे, और उनके कौन सा वर्ड आपके लिए परफेक्ट होगा वो आपको वहाँ पर चुनना होता है। ठीक है, तो एक चैलेंजिंग चीज़ होती है, ओब्वियसली एक चैलेंजिंग है कि मिलते जुलते वर्ड हैं भला हम कितना याद करें, लेकिन कितना याद करें उससे मतलब नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, मैंने क्या बोला कि ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, तो लिटरली जब पूछा हुआ है तो जब आप हर सवाल जो आस्क करे आप उन्हीं चीज़ों को पढ़िएगा तभी तो इन चीज़ों को समझ पाइएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं और 27 नंबर सवाल से। ठीक है ना, और एक पैसेज नहीं है, पैसेज का मतलब फादर समझिए कि इतनी बड़ी पैसेज दिए गए जिसमें आप बेफिक्र मतलब बेइंतहासा समय दो और फिर इसको बनाने की कोशिश करो। तो चलिए देखते हैं, उससे पहले छोटी सारी, जीवन में सबसे ज़्यादा सफल वो हुए जिनमें सबसे ज़्यादा धैर्य था, धैर्य के साथ लगन थी। जीवन में सबसे ज़्यादा वही सफल हुए जिनके पास धैर्य था, धैर्य के साथ लगन भी था। वो धैर्य के साथ लगन भी थी, वो ये सोचते रह गए एक दिन तो अपना टाइम आएगा, है ना, या फिर अपना अपुन का टाइम आएगा। ठीक है, तो बस यही धैर्य के साथ पढ़ते रहिए, एक दिन आपका टाइम आएगा और आप उस दिन खुद कहिए अपुन का टाइम आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल यहाँ पर पढ़ते हैं, लिखा हुआ है इन द 19th century देयर वर एन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। बिल्कुल है, यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई थी 19th century में जब अंग्रेज भारत में आए थे। एज ए रिजल्ट मिलियंस ऑफ पीपल लेफ्ट द एंड वेंट टू द वर्क टू बिग फैक्ट्रीज इन सिटीज, यानी वे पीपल क्या किए, वेंट किए, चले गए कहाँ से, टू सिटी। तो बोलिए कहाँ से कहाँ सिटी चले गए, तो भाई विलेजेस से ही तो गए होंगे सिटी, गाँव से शहरों की ओर चले जाएंगे, है ना। आजकल की जमाना हो गया कि लोग शहर से गाँव की ओर जा रहे हैं, रिवर्स गियर ले लिए, है ना, मतलब इसको कहते हैं कि सही फैसले तभी आते हैं जब संकट के बादल छेड़ आते हैं, है ना, कि जब गांव से लोग शहर गए देखे वाह नौकरी मिल रही है, लेकिन जब देखा नौकरी में शहर में परेशानियां हैं तो गांव शहर से क्या हुए गांव की ओर वापस लौट आए। ठीक है, लिखा हुआ है दे वांट, ये लिखा हुआ है टुडे इट इज द रिवर्स, ये रिवर्स है, रिवर्स मतलब क्या हुआ है आप मेरे को यहाँ बताइए, एक वर्ड लिखा हुआ है रिवर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि लोग, ये विलेज मान लीजिए विलेज है और ये सिटी है, तो क्या लोग यहाँ से यहाँ लौट गए हम उसको रिवर्स बोलेंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि सारे लोग लौट गए होंगे, कुछ लोग लौट रहे होंगे धीरे धीरे, कुछ लोगों का प्रक्रिया में होंगे, इसको रिवर्स बोलते हैं, यानी जो वापस आने की प्रक्रिया होगी ना वो कंप्लीट नहीं होगी, है ना, जो वापस आने की प्रक्रिया होगी वो कंप्लीट नहीं होगी, लोग आ रहे होंगे, प्रायोरिटी कम होगा। जैसे आपने एक डिसीजन लिया कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठूंगा, है ना, रोज़ सुबह 5 बजे उठूंगा, लेकिन आप एक दो दिन प्रैक्टिस किए नहीं हो रहा है ना, तो लिटरली आपका क्या ये जो आदत है 5 बजे उठने वाला, या फिर आपकी आदत है रात को रोज़ शाम रोज़ सुबह 7 बजे उठने का,
आप सोचिएगा कि आज 5 बजे उठ जाए, उठ पाइएगा नहीं उठ पाइएगा, हो सकता है 7 बजे की जगह आपकी नींद पहले 6 बजे खुलेगी, 6 बजे की जगह 5:30 बजे खुलेगी, कई बार होगा 4 बजे खुल जाएगी। तो यार आप क्या होगा, आपका रिवर्स होगा, आप अचानक वापस नहीं आ गए, बस प्रक्रिया में धीरे धीरे आए, है ना, समझो। तो उस केस में हम लोग रिवर्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है इन सेवरल मेजर सिटीज पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग आउट, बहुत सारे सिटी में लोग क्या है वापस मुड़ना शुरू कर चुके हैं ना। Why? क्यों? दे वांट ए क्लीनर, मतलब यहाँ पर एक क्या एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए, है ना, क्यों? क्योंकि वो एक क्लीनर, एक साफ सुथरी जगह चाहते हैं। कैसी जगह चाहते हैं? साफ सुथरी जगह। देखिए वोर्स होगा नहीं, डार्क होगा नहीं, हायर हो सकता था, लेकिन ग्रीनर ही आंसर होगा कि एक साफ सुथरी, एक हवादार जगह, एक ग्रीनर जगह उसको चाहिए, है ना। लिखा हुआ है देर आर फ्यूअर जॉब्स इन हैवी इंडस्ट्रीज लाइक स्टील एंड पावर जनरेशन, बिल्कुल है, पावर जनरेशन जहाँ पे बिजली उत्पन्न होते हैं, जहाँ स्टील इंडस्ट्री, वहाँ सब चीज़ ऑटोमेटिक हो गया, मशीन से हो गया, तो कहाँ जॉब रहेगा, है ना। देर आर मोर जॉब इन सर्विस सेक्टर लाइक बैंकिंग, टूरिज्म एंड फूड डिलीवरी। अब देखिए ये पूरा लाइन को लिंक करना पड़ेगा कि इन दोनों लाइन को लिंक करने के बाद मेरा कौन सा आंसर बन रहा है, ठीक है। तो लिखा हुआ है देर आर फ्यूअर जॉब्स इन हैवी इंडस्ट्री लाइक बट देर आर मोर जॉब्स इन सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग, मतलब ये क्या है कंपेरेटिव स्टडी दे रहा है कि उधर तो कम जॉब था लेकिन उधर क्या है ज़्यादा जॉब है। कंपेरेटिव के लिए यहाँ कौन सा वर्ड है, इंस्टीट्यूट है ना। इंस्टीट्यूट मतलब क्या होता है कि बदले, है ना, या की जगह, है ना। इसका बोलते हैं कि पावर स्टेशन और जो है स्टील वाला में तो कम नौकरी है, इसकी जगह जो है आप फूड टूरिज्म में चल जाइए, टूरिज्म में चल जाइए, बैंकिंग में चल जाइए, यहाँ पे क्या है ज़्यादा नौकरी है ना, यहाँ पे क्या है ज़्यादा नौकरी है। चलिए ठीक है, देखते। बिसाइड मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव मेड इट इजियर फॉर पीपल, यानी बिसाइड मतलब के अलावे, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, है ना। बिसाइड मतलब क्या हो गया, बिसाइड किसके लिए है यहाँ पे, यही इंडस्ट्री लाइक बैंकिंग टूरिज्म एंड फूड इंडस्ट्री, ये सब के लिए बिसाइड आया कि ये सब को छोड़ के, सबको अलग करके मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव मेड इट इजियर फॉर पीपल, यह लोगों के लिए आसान कर दिया, फॉर पीपल टू, टू क्या, टू कैलकुलेट कम्युनिकेट कम्यूट। अब देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, यहाँ आपको टू दिखा होगा तो टू के बाद हम लोग भी वन इस्तेमाल करते हैं, ओब्वियसली इन्फिनिटिव का इस्तेमाल होता है ना, कि इट हैज मेड इजियर फॉर द पीपल टू वर्क और इवन वर्क फ्रॉम होम, मतलब ये लोगों के लिए घर से काम करने के लिए क्या किया है, सुविधा बना दिया है, मतलब घर से काम कर लिया क्या, नहीं किया, वो प्रक्रिया में होगी, वो करेगा, है ना। यहाँ पर एक एजम्पशन रखा गया है कि यदि वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो उसका क्या होगा, ईजी हो जाएगा काम में, है ना। तो यहाँ टू के बाद हमको क्या भी वन चाहिए, तो कम्यूट ही यहाँ एक वर्ड है और कुछ तो है नहीं, है ना। चलिए ठीक है, लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन इन द 20th सेंचुरी विल बी अ स्प्रिट सिटीज, है ना। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए शहर से लोग गांव की ओर दौड़ रहे हैं, तो इस चीज़ को रोकने के लिए इसका जो अल्टीमेट प्लान होगा वो क्या करेगा, शहरीकरण का विस्तार होगा। आज देख रहे होंगे आपके जो आसपास के शहर है वहाँ जो जंगल से कल तक जो सटे होते थे, आज लोगों ने जंगलों में भी घर बना दिया, जंगल काट के वहाँ रोड बना दिया, जंगल काट के वहाँ एम्बैकमेंट घेराबंदी कर दिया, है ना। तो क्या शहरों का स्प्रीड हो रहा है, शहर फैल रहे हैं, है ना। तो ये जो ग्रोथ हुआ है, जो शहर में जनसंख्या बढ़ी है, जो जॉब बढ़ा है, जो अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सब बढ़ा है, जिसके कारण क्या हुआ, शहर फैल रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन इन द 21st सेंचुरी विल बी स्प्रिट सिटीज, सिटीज आर ग्रोइंग फास्ट बट, देखिए यहाँ पे बट आ गया, मतलब देखिए यहाँ पॉजिटिव चीज आ रहा है, यहाँ आपको नेगेटिव चीज वाला वर्ड डालना पड़ेगा, है ना, ठीक है। क्या बोलेगा, बट आउटवर्ड्स, है ना, ठीक। ये सब नहीं होगा, डाउनवर्ड अपवर्ड इनवर्ड क्या होता है, शहरों में विस्तार हो रहा है, या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, या तो अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर होगा। शहरों में जो विस्तार हो रहा है वो बाहर की ओर है, बट आउटवर्ड, है ना, कि जो शहरीकरण का विस्तार हो रहा है वो क्या आउटवर्ड हो रहा है, अवे फ्रॉम द सिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कैन वी सी द अर्थ इज ग्लोब। अब यहाँ पे आप क्या डालिएगा, अब देखिए इस पूरी लाइन को पढ़िएगा ना, तो यहाँ से देखिए लिखा हुआ है कैन वी सी द अर्थ इज ग्लोब। आप ये पूरा लाइन पढ़िए, इसको पढ़ने पर पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क आया ना वो कहीं ना कहीं इसके लिए आया है, ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए इसके मार्क के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या एक लिंकिंग वर्ड जरूरत है जो इसको और इसको जोड़ सके, और वो लिंकिंग क्या वर्ड है, जैसे यदि मान लीजिए आप यहाँ विच वेयर का इस्तेमाल कर देते हैं, वेयर द अर्थ इज ग्लोब, तो कोई लिंक नहीं बनेगा, वेयर इज द अर्थ ग्लोब, ये यदि ऐसा रहता तब हम ये वेयर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। तो
यहाँ पे दैट का प्रयोग होगा। लिंकिंग के लिए अक्सर हम लोग दैट प्रयोग करते हैं। दैट क्या करता है, चीजों को डेफिनेट करता है। दैट क्या करता है, चीजों को डेफिनेट करता है। कैन वी सी दैट द अर्थ इज ग्लोब, क्या हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ का की अर्थ चाहिए, है ना, की वाला अर्थ चाहिए। कैन वी सी दैट, क्या हम लोग देख सकते हैं कि द अर्थ इज ग्लोब, नहीं देख सकते। लिटरली हम लोग अर्थ ग्लोब है नहीं, हम लोग तो नहीं। अब जब ये आर्टिकल लिखा हो गया तब का पता नहीं ये कब समय था, है ना, लेकिन अभी तो देख सकते हैं, है ना। लिखा हुआ है एस, हाँ देख सकते हैं। वी कैन वी वॉच ए सीव दैट सेल इन टू, देखिए पूरी स्टोरी का आप पढ़िएगा ना, इसमें दिखाया गया है कि अर्थ गोल है या नहीं, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे। आपको भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास संतरा नहीं होगा, यहाँ ऑरेंज लिखा हुआ है ना, आपके पास संतरा नहीं होगा, आपके पास अभी आलू होगा, आप आलू पकड़िए, और आपके पास माचिस का तिल ही होगा, मेरे को पता है, सुई तो होगा नहीं, है ना, ठीक है, पिन तो होगा नहीं, तो आपके पास से माचिस का तिल होगा, इसको घुसेड़ दीजिए। अब आलू को ना रोटेट कीजिए, आप देखिएगा कि आपको जो ये चीज वह है ना, ये हिस्सा ये छुपता नजर आएगा, ये हिस्सा है ना, ये धीरे धीरे आपको दिख दिख के छुपेगा, मतलब सबसे लास्ट में तो यही छुपेगा, है ना। तो जब आप आलू को घुमाइएगा ना, तो जो जो माचिस की तिल्ली का ऊपर वाला हिस्सा है, वो धीरे धीरे जब आप घुमाते रहिएगा तो धीरे धीरे लुप्त होता चला जाएगा। तो सवाल उठता है उसी तरह, जैसे मान लीजिए समुद्र में है एक नाव है, समुद्र है ये, और यहाँ पर एक, आप जानते हो समुद्र की ऊंचाई हर जगह सेम है, कहीं भी समुद्र की ऊंचाई ऊपर या नीचे नहीं है, समुद्र की ऊंचाई हर जगह सेम है, पूरी दुनिया में सेम है। तो जब आप एक जहाज से यहाँ भेजोगे, यदि ऊंचाई समान है तो ये तो हमको दिखना चाहिए लंबा समय तक, है ना, दिखते रहना चाहिए सिप, लेकिन नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि ये कुछ दूरी के बाद जाके जो है लुप्त हो जाता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो ऐसे है। तो हो सकता है ये जो जहाज ऐसे चढ़ाओगा, ऐसे चढ़ाओगा, ऐसे चढ़ाओगा, ऐसे चढ़ाओगा, ऐसे चढ़ाओगा, ऐसे चढ़ाओगा, ऐसे उतर गया होगा। तो लिटरली जब ये चढ़ा तो इसका पुखड़िया दिखा, जब जैसे उतरना शुरू किया तैसे दिखना बंद हो गया, है ना। यहाँ भी दिखता है कि पहले जमाने में लोग जो बोट बना दिए होंगे, जो थ्योरी बने, कितनी सोच के समझ के बनाई होगी, नहीं कि समुद्र की दूरी को लाभ फांद रहे होंगे और कहाँ पृथ्वी के ग्लोब वाला चक्कर काट रहे होंगे, है ना। मतलब इसी को बोला जाता है कि अगर आपके अंदर जिद है जीतने की, अगर आपके अंदर जीत है जीतने की, तो पूरी कायनात भी आपको हरा नहीं सकती। लेकिन अगर आपकी सोच ही हार गई, लेकिन अगर आपकी सोच ही हार गई तो कोई साधन आपको जिता नहीं सकती, ठीक है। तो हमें ये चीज़ों से सीखना चाहिए कि पहले जमाने के लोग कितने, मतलब उतने क्षमतावान थे कि अर्थ की गोलाई को बस समुद्र की दूरी से, एक छोटी सी विजुअलाइजेशन से हमें नापना सिखा दिया, है ना। तो लिखा हुआ पढ़ते हैं, कैन वी सी दैट द अर्थ इज ग्लोब, यस वी कैन वॉच ए सीप दैट सेल आउट टू सी, सेल आउट टू सी मतलब जो सेल कर रहा है, जो समुद्र की ओर जा रहा है ना, हम लोग से दूर जा रहा है। इफ यू वॉच क्लोजर वी सी दैट द सीप बिगिन टू, अब बिगिन टू क्या, बिगिन टू देखिए यहाँ टू इस्तेमाल हुआ है ना, टू के बाद भी वन इस्तेमाल करेंगे, यानी बिगिन टू डिसअपियर हो जाएगा, है ना। कि जो सीप हुआ है ना वो, देखिए यहाँ पर इन्फिनिटिव का भी क्यों यूज होगा, ये भी सवाल बनता है। तो इन्फिनिटिव का हम लोग इस्तेमाल वहाँ करते हैं जो काम हुआ नहीं है, एक्चुअली होगा, भविष्य में होगा, या फिर इन प्रोग्रेस है, इन प्रोग्रेस है, या फिर भविष्य में होगा। तो वी कैन सीप द सीप बिगन टू डिसअपियर, कि सीप जो है डिसअपियर होना शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, डिसअपियर होने वाला काम है ना, समझो। तो वही है, द बॉटम ऑफ द शिप डिसअपीयर फर्स्ट, जो बॉटम है फर्स्ट, एंड देन द शिप सीम्स टू सिंक लोअर, धीरे धीरे वो सिंक होता चला जाता है, एंड लोअर अंटिल, कब तक, तब तक, है ना, अंटिल वी कैन सी ओनली द टॉप ऑफ द, ये तब तक समुद्र की ओर धसता चला जाता है जब तक कि हम इसका टॉप वाला हिस्सा देखते रहते हैं, मतलब जब अंटिल टॉप वाला हिस्सा गया तब शिप भी गया। देन वी कैन सी नथिंग एट ऑल, हम कुछ नहीं, वट इज हाइडिंग द सीप फ्रॉम अस, क्या कौन सी चीज है जो सीप को हाइड करी, इट इज द अर्थ, अस्टिक या पिन मोस्ट ऑफ द वे इन टू एन ऑरेंज, एक ऑरेंज में एक पिन ठूसा, मैंने बोला आपके पास नहीं होगा तो आप आलू ठूसना, मतलब आलू में पिन ठूसना, आलू में माचिस की तिली ठूसना, यही होगा मेरे ख्याल से आपके पास अभी, ठीक है। तो अस्टिक या पिन मोस्ट ऑफ द वे इन टू एन ऑरेंज, एंड टर्न द ऑरेंज अवे फ्रॉम यू, एंड स्लोली धीरे धीरे, अरे भाई तेजी से पलट दोगे तो आप देख ही नहीं पाओगे, धीरे धीरे बदलोगे, है ना। यू विल सी द पिन डिसअपीयर, कि पिन डिसअपीयर, ऑब्वियसली अर्थ ग्लोब है, आलू गोल है, तो आप जैसे जैसे मोड़ोगे आलू जैसे उल्टा साइड में जाओगे तो गायब हो जाएगा, है ना। आगे फाइव नंबर पढ़ते हैं, लिखा हुआ है यू विल सी द पिन डिसअपीयर जस्ट एज, जैसे कि मानो, ये हो गया ना, देखिए अनलाइक तो होगा नहीं, द सेम होगा नहीं, अलाइक मतलब कि जैसा, अलाइक मतलब सिमिलर होता है, ठीक है, अलाइक मतलब सिमिलर, ठीक है। तो ये सब होगा नहीं, जस्ट है जैसे, एकदम बिल्कुल बिल्कुल किस जिस तरह, है ना, बिल्कुल उस किस तरह, जस्ट है सिंपल, है ना, समझो। चलो जस्ट है जैसे डिस हो जाएगा वो, ठीक है।
चलिए पढ़ते हैं, दो सवाल हो गए, 27 हो गए, 28 हो गया, 29 पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत लंबा पैसेज है और इतना लंबा पढ़ पढ़ के सिर्फ 5 क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है। देखिए इसको पूरे पैसेज को आप पढ़ोगे ना तो लिटरली इस पैसेज में पूरा बताया गया है कि जो सिविल सर्वेंट होता है ना उसका काम क्या होता है। सिविल सर्वेंट का होता है काम कि पब्लिक में ऑर्डर बनाए रखता है, पीस बनाए रखता है। कई बार पीस कैसे बनाया जाए इस चीज़ को लोगों को समझाता भी है। लोगों को जो सरकार की जन सुख सुविधाएं होती है वो सिविल सर्वेंट का काम होता है कि वो लोगों तक पहुंचाए, उसको इम्प्लीमेंट करे, उसको इम्प्लीमेंट में जो दिक्कत आ रहा होगा उसको सुनिश्चित करे। ये सिविल सर्वेंट का काम होता है ना। तो लिखा हुआ था सिविल सर्विस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड प्लेज ए क्रूशियल रोल इन इंप्लीमेंटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम दैन बेनिफिट द पीपल। ऑब्वियसली लोगों को बेनिफिट दे ऐसे प्रोग्राम में लोग काम करते हैं, है ना। आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है द ऑफ सिविल सर्विस इज टू इंश्योर दैट गवर्नमेंट इज एबल टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सिटीजंस इन टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर। अब इस पूरे पैसेज को पढ़िए और वो वर्ड डालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो देखिए मैंडेट करना मतलब सुनिश्चित करना नहीं होगा, द मैंडेट ऑफ सिविल सर्वेंट ऐसा कुछ नहीं। सिविल सर्वेंट का कोई मैंडेट नहीं, कोई सुनिश्चित चीज़ नहीं होते, उन्हें रेगुलरली वो डायनेमिक होते हैं। सिविल जो सर्विसेज होती है वो डायनेमिक होती है, परिस्थितियों के आधार पर काम करना होता है। जैसे मान लीजिए रामनवमी में पता चला कि कुछ लोग जो है दारू नाल के इलेक्ट्रिक सिगरेट का प्रयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाले सिगरेट पर रहे हैं, तो वो मैंडेटेड तो होगा नहीं सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम को तो पता ही नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक सिगरेट नाम से भी कुछ चीज़ होता है। मान लीजिए तरह तरह के नशीला पदार्थ आ गया, कोफिन की जगह कुछ और आ गया, नशीला पदार्थ कुछ भी नया आ गया, तो अब मैंडेटेड कुछ है नहीं कि वो चीज़ नशीला है कि नहीं। तो क्या है टाइमली बेसिस पे जो सिचुएशन आता है उस आधार पे लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे मैंडेट नहीं होगा, डिफॉल्ट रिकमेंडेशन किसी का होता नहीं है। सिविल सर्वेंट में जो भी होता है सुनिश्चित होता है, पर्सनल विवेक पर काम होता है। तो लिटरली फंक्शन होगा, तो द फंक्शन की जो सिविल सर्विसेज का काम होता है, जो फंक्शन होता है, कार्य प्रणाली होती है, विच टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट इज एबल टू प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजन इन टाइमली एंड इफेक्टिव मैनर। सिविल सर्वेंट, जो सिविल सर्वेंट, जैसे मैं भी एक सिविल सर्वेंट हूँ, आर रिस्पॉन्सिबल, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टास्क, पता नहीं मेरे को तो बहुत सीमित काम मिला हुआ है। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग क्या है, अब देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग एस्केलेटिंग, बढ़ाना, प्रमोट करना, डेवलप करना, बिल्कुल नहीं। मैनेजिंग होगा, मैनेजिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, कि आप जो पॉलिसी, मैंने बताया ना कि सिविल सर्वेंट का काम होता है कि सरकार की जो पॉलिसी वो लोगों तक पहुंचाना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उस इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो दिक्कत आ रही है उसको मैनेज करना, है ना। तो मैनेज द इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी एंड प्रोग्राम एंड मैनेजिंग बजट, प्रोवाइडिंग एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफिशियल इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज इफेक्टिवली, ठीक है। सिविल सर्वेंट मस्ट हैव ए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस एज वेल एज अ स्ट्रांग देखिए परसेप्शन तो होगा नहीं, इंटरपर्सनल या टेक्निकल अकाउंटिंग कुछ नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, एज वेल एज अ स्ट्रांग प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिकल स्किल, कि ये दो स्किल होना चाहिए, पहला प्रॉब्लम स्किल का और एक एनालिटिकल स्किल का, कि ये दोनों स्किल यदि उसके पास होगा ना तभी वो ठीक काम कर पाएगा। लिखा हुआ है वंस दे आर अपॉइंटेड, जब उनको पहली बार अपॉइंट किया गया, सिविल सर्वेंट आर एक्सपेक्टेड टू अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट, इसको CCS रूल बोलते हैं ना, कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सर्विसेज, एंड इम्फाइज इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी मतलब उसको पार्शियल नहीं बनना होगा, उसको किसी का पक्ष नहीं होगा, इम्पार्शियल बन के रहना पड़ेगा, मतलब ना तेरा पक्ष लेंगे ना इसका पक्ष लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जिधर माल पानी मिलता है उधर पक्ष हो जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ इंटीग्रिटी एंड, 4 नंबर सवाल में, ठीक है, लिखा हुआ है कि कोड ऑफ कंडक्ट दैट इम्फाइज इंटीग्रिटी एंड, है ना, इफिशियंसी इन कैरिंग आउट दियर ड्यूटी, है ना, ठीक है, कि सिविल सर्वेंट की इफिशियंसी ही तो होगी, सिवियरिटी एक्टिविज्म पॉपुलरिटी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना, सिवियरिटी सब कुछ भी नहीं होगा, कि वंस दे आर अपॉइंटेड, जब उनको पहली बार अपॉइंट किया होगा, सिविल सर्वेंट आर एक्सपेक्टेड टू अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट एंड इफाइज इम्पार्शियलिटी इंटीग्रिटी एंड इफिशियंसी इन कैरिंग आउट दियर ड्यूटी, कि उनकी जो अपनी इफिशियंसी है ना उसके हद तक काम करें। मान लीजिए एक सिविल सर्वेंट है वो तय कर ले कि मैं काम ही नहीं करूँगा, है ना, वो अपना नीचे वाला अधिकारी बोलेगा अरे तू कर दे हम सिर्फ साइन कर देंगे, तो क्या वो अपनी इफिशियंसी का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर रहा। कई लोग काम नहीं करना चाहता, वो अपनी इफिशियंसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो वही है, ठीक है, तो यहाँ इफिशियंसी प्रयोग होगा। चलिए लास्ट वर्ड है 5वां नंबर और बहुत अच्छा है, सिविल सर्वेंट प्ले अ वाइटल रोल इन मेपिंग, कॉपिंग करना नहीं लेकिन कमजोरी दिखाना, कंटेक्चुअलाइजिंग, बिल्कुल नहीं, अपहोल्डिंग मतलब होता है बनाए रखना। सिविल सर्वेंट क्या एक वाइटल रोल, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि डेमोक्रेटिक वैल्यू को जो है वो क्या कर सके, बना कर रख सके, ठीक है। चलिए 30 नंबर सवाल है और फिर से बहुत बड़ी सवाल है, और इसी में आपको वो सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी ना जो आप
मतलब समझ सकते हो। चलिए ये इसमें जो कुछ सवाल है वो सीजीएल के या एसएससी के पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। उससे पहले छोटी सी चीज बोलता हूँ, आसमान में मत ढूंढो अपने सपने को, आसमान में मत ढूंढो अपने सपने को, सपने के लिए तो जमीन जरूरी है। आसमान में सपने मत ढूंढो, सपने के लिए तो जमीन जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का मजा क्या, जीने के लिए कुछ कमी भी तो जरूरी है ना। अरे सब कुछ मिल जाएगा तो आप तैयारी क्यों करेंगे, जीने के लिए कुछ तो कमी की जरूरत पड़ती है, तभी तो तैयारी करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, चैलेंज इज मद्रास हाई कोर्ट टू द इमरजेंसी गिरा। देखिए बहुत, अगर आप इस लिन को बहुत स्पीड में पढ़ दोगे ना तो आपको समझेगा कि लेगा कि ये तो पास्ट की घटना है, लेकिन एक्चुअली ये प्रेजेंट की घटना है। पास्ट का रेफरेंस जैसे होता है ना कि पास्ट में कुछ पॉलिसियां बनी थी, पास्ट में ऐसे पूरी पैसेज को आप पढ़ोगे ना, इस पूरी पैसेज को आप पढ़ोगे, इसमें लिखा हुआ है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, आप जानते हो एजुकेशन सिस्टम समवर्ती सूची में है, समवर्ती सूची में कनकरेंट इशू में है ना, कनकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है। तो लिटरली इस पैसेज में क्या किया गया है कि कनकरेंट जो पहले एजुकेशन सिस्टम था वो स्टेट में था, 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको कनकरेंट सूची में डाल दिया गया, सेंटर और स्टेट दोनों में डाल दिया गया। और ये पूरा पैसेज बताया है कि कनकरेंट सूची में डालने का फायदा क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है कि आप नेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है, जैसे जेई मेन्स है, जेई एडवांस है, मेडिकल का नीट वगैरह है, एसएससी है, तो जो कनकरेंट लिस्ट में एजुकेशन डाल दिया उसी की बदौलत होता है। आजकल मेडिकल में एजुकेशन लेना है, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो ये इतना ईजियर कैसे हो पा रहा है? वरना पता चले तमिलनाडु में एग्जाम है, तमिलनाडु का अलग एग्जाम दीजिए, बेंगलोर में एग्जाम है, बेंगलोर का अलग एग्जाम दीजिए, तो पूरा साल तो एग्जाम देने में ही निकल जाएगा। तो ये जो सेंट्रल समवर्ती सूची में डाल दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे जो आदमी है वो एक एग्जाम लेते हैं, पूरा इंडिया भर में जितने यूनिवर्सिटी है सब जगह एडमिशन का दरवाजा खुल गया है ना, तो कनकरेंट लिस्ट का क्या बेनिफिट है? तो यहाँ पे जो सवाल है वो क्या किया गया, मद्रास हाईकोर्ट में कोई व्यक्ति गया चैलेंज किया कि कनकरेंट लिस्ट जो है ना वो गलत है। ऑब्वियसली इसमें स्टेट वाला जो पार्टी होता है वो लोग सोचता है कि यार हम लोग अपना स्टेट में जो एजुकेशन सिस्टम होगा उसमें हम अपना बच्चा को पढ़ाएंगे, अपने एजुकेशन अपने लोग क्षेत्र के लोगों को पढ़ाने देंगे, बाहर के क्षेत्र के मतलब बाहर के स्टेट के लोग बच्चों को क्यों पढ़ने दें? कोई भी स्टेट सोचेगा कि जो एजुकेशन सिस्टम उसके क्षेत्र में डेवलप हुआ है उसका फर्स्ट एडवांटेज उस स्टेट को बच्चे को मिले। लेकिन कनकरेंट सूची में क्या होता है, जिसके अंदर टैलेंट होता है वो वहाँ पहुँच जाता है, तो हो सकता है उस स्टेट के बच्चे को वहाँ ज़्यादा प्रायोरिटी ना मिले। इसीलिए आजकल ऐसी व्यवस्था भी बन गई है कि स्टेट, यदि आप झारखंड से हो तो झारखंड किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो आपको वहाँ कम नंबर में सिलेक्शन होता है, आप बाहर से आए हो झारखंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते तो आपको ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, तो थोड़ी व्यवस्था ऐसी की गई है। तो उसी सब सिनेरियो को यहाँ पे चैलेंज किया गया, तो लिखा हुआ था चैलेंज इन मद्रास हाई कोर्ट, देखिए प्रेजेंट केस का है ध्यान रखिएगा, टू द इमरजेंसिंग इरा शिफ्टिंग इमरजेंसिंग इरा में, मतलब हो सकता है 1978 के आसपास में या 1974, एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कनकरेंट लिस्ट, कि जो राज्य सरकार के तहत एजुकेशन था उसको कनकरेंट लिस्ट में डाला गया, ये जो चैलेंज था, या फुटल एक्सरसाइज इन टर्निंग बैक द क्लॉक है ना, कि एक फुटाइल एक्सरसाइज है, ये फुटाइल एक्सरसाइज किसको किसके लिए आया है, तो ये चैलेंज के लिए आया है कि जो अभी चैलेंज किया गया ना मद्रास हाईकोर्ट में कि भैया जो स्टेट लिस्ट से उठा के समवर्ती सूची में तुम डाल दिए थे ना शिक्षा व्यवस्था को, उसको तुम वापस लेके आओ। तो ये क्या है जो ये पूरी घटना मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज करने की, क्या है, एक फुटाइल एक्सरसाइज, फालतू का व्यर्थ का एक्सरसाइज है। तो ये क्या है कि था, सवाल उठता है, देखिए तो चैलेंज है, सिंगुलर है, तो वर होगा नहीं, हैव होगा नहीं, हैड पास्ट में होता तो ठीक था, लेकिन घटना प्रेजेंट की है इसलिए इज का प्रयोग करेंगे, है ना। देखिए सिर्फ एक वर्ड इज बताने के लिए आपको आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, देखिए एक वर्ड की जानकारी होनी चाहिए क्लोज टेस्ट में, जब तक आपका एक शब्दावली पर कमांड नहीं होगा ना तब तक आप मान लीजिए अभी तो बना दीजिएगा लेकिन दूसरा क्लोज टेस्ट आएगा ना तो फंस जाइएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को निकलना भी है ना, समस्याओं का निपटारा समस्याओं के अधीन रह के उस ही करना है, समस्याओं से भाग के नहीं करना है। लिखा हुआ है 46 ईयर है पास, 46 साल पास हो गए, बेसिकली जो जो कनकरेंट लिस्ट में डाला गया है ये आपका जो है इमरजेंसी इरा में हुआ और वहाँ से लेके अभी तक 46 साल पास हो गए, हैव पास्ड द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब यहाँ पे क्या भराएगा वो सेकंड ऑप्शन में देखना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ सीन्स या फ्रॉम का आना चाहिए, हाँ तो सीन्स का आया हुआ है तो सीन्स लगेगा यहाँ पे। देखिए कई टीचर सिंस के बारे में भी बताते हैं और जब भी बताते हैं तो कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यार ये सिंस लगाएंगे कि फोर लगाएंगे, बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, सिंस क्या हो जाता है फोर के बारे में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, डेफिनेट क्या है, टाइम क्या है, ये भी कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं आपको एक जनरल सिंस भी बताता हूँ और आपको ये समझ में भी आएगी, फोर कहाँ, जहाँ काउंटिंग जहाँ गिनती का सिंस आएगा ना कि एक दो तीन इस तरह का आएगा,
एक दो तीन चार पाँच, यदि इस तरह का कुछ काउंटिंग का सेंस आएगा ना, तब वहाँ पर फोर का इस्तेमाल कीजिएगा। और जब एक दो तीन चार ये सब का सीन नहीं आएगा ना, तब आप वहाँ फोर सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा। मतलब जहाँ आप गिन सको चीज़ों को वहाँ फोर का इस्तेमाल कर दीजिए। जैसे फोर फोर ईयर्स, फोर फाइव ईयर्स, है ना, फोर फाइव पीयर, तो यहाँ क्या गिनती आ गया तो फोर इस्तेमाल करो। जब गिनती नहीं आया तो सिंस का इस्तेमाल करो। मैंने आपको पी क्यू आर एस में भी बताया था इस चीज़ को कि अगर ए के बाद बी होगा, अगर आपको पता है ए के बाद बी होगा तो आप वो ऑप्शन हटाइए दीजिए जहाँ बी के बाद ये लिखा है, है ना। ओबियसली दो तीन ऑप्शन हट जाएगा, तहाँ से पी क्यू आर एस ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, है ना। मैंने कई सवाल पी क्यू आर एस के बस इसी ग्राउंड पर सॉल्व कर दिया है, ज़्यादा पढ़ने भी गया ना, ज़्यादा सोचने गया। आप भी जब मेरे पी क्यू आर एस की वीडियो देखिए, आप सीखिए स्ट्रेटेजी, सीखिए कैसे बनाते हैं। एक तरीका ये था, एक पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका ये कहता है फॉरवर्ड सेंस में, देखिए कुछ भी है इसका मैं क्या, मैं आपको ओरिजिन समझाता हूँ कि कोई चीज़ आया कैसे है ना। आदि फॉरवर्ड सेंस का प्रयोग किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, सेंस बजिए कि यहाँ पे सेंस जब भी होगा ना, कोई टाइम दिया होगा और उस टाइम से आप ना प्रेजेंट तक आने की कोशिश कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेंस का प्रयोग वहाँ करेंगे कि कोई टाइम दिया होगा और आप उस टाइम से प्रेजेंट में आने की कोशिश कीजिए। यदि आप आ जाते हैं, अगर उस टाइम से आप प्रेजेंट में आ जाते हैं तो आप सेंस का प्रयोग कीजिए, अगर उस टाइम से आप प्रेजेंट में नहीं आ पाते हैं तो आप फोर का प्रयोग कीजिए। जैसे आप यहाँ समझिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 46 ईयर हैव पास्ट द 42 कंसेचुअल अमेंडमेंट एक्ट, कि जब 42 कंसेचुअल अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, वहाँ से लेके अभी तक आप काउंट करने की कोशिश कीजिए कि 42 कंसेचुअल अमेंडमेंट कब आया था, 1976 में आया था। आप वहाँ से चलना कुछ 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 1920, 2021, 2022, 2023, 2024, आप क्या आज तक आ जा रहे हैं, है ना। यानी जो टाइम दिया था ना, आप वहाँ से चलना शुरू कीजिए और प्रेजेंट टाइम तक यानी अभी तक आने की कोशिश कीजिए। यदि आप आ जाते हैं तो सेंस का प्रयोग कीजिए, नहीं आ पाते तो नहीं कर जाए। देखिए यहाँ लिखा हुआ, मैंने बोल दिया कि फोर फाइव ईयर्स, आप फाइव ईयर से चलना शुरू कीजिए। कहाँ से चलिएगा, 5, 4, 3, 2, 1, आप प्रेजेंट में आए क्या, आप प्रेजेंट में कहाँ आए, आप फाइव कहाँ से शुरू किए, आने वाला भविष्य से शुरू किए, अपने तुरंत भूतकाल से शुरू किए, या फिर आज से 25 साल पहले जाके वाला 5 साल से शुरुआत किए, कन्फ्यूजन है। लेकिन 42 अमेंडमेंट एक्ट बोले मैं वहाँ से शुरुआत कीजिए, फिक्स है उसका 1976 में आया था तो 1976 से चलेंगे। बोलेगा मॉर्निंग से, तो सीन्स मॉर्निंग हो जाता है, क्यों, क्योंकि मॉर्निंग से अभी तक आना। अभी मान लीजिए मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9 बज गया, तो सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक, है ना, या रात को 12 बजे लेके अभी मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग प्रयोग होगा क्योंकि मैं मॉर्निंग से आ सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इतना समझ गए आप कि यहाँ पे आपका ईज होने वाला है, दूसरा जगह पे आप चलो तो आपका फोर होने वाला है। और मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि फोर और सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है चैलेंज इन मद्रास हाईकोर्ट, अभी तो हो गया, थर्ड में आते हैं एक्ट। इन दिस पीरियड, इस पीरियड में यानी जो 42 अमेंडमेंट एक्ट जब आया और अब तक, इन दिस पीरियड द एजुकेशन सेक्टर हैज बीन फार टू मेनी चेंजेस, कि जो जब से अमेंडमेंट एक्ट आया और जो प्रेजेंट सिचुएशन है, इस ड्यूरेशन में एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव हो गया। हो सकता है जब 42 अमेंडमेंट एक्ट आने वाला था उससे पहले जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, मेडिकल, फलना ढकना, एसएससी वगैरह नहीं होता होगा, अब आ गया है, है ना। अब एडमिशन के नए नए तरीके आ गए, जेई एडवांस आ गया, आजकल तो जेई एडवांस सऊदी अरब में भी चले लगा है, वहाँ का स्टूडेंट भी यहाँ के पढ़ रहा है, यहाँ का जे आईटी इंडस्ट्री वहाँ जाके काम कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन दिस पीरियड द एजुकेशन सेक्टर हैज बीन फार टू मेनी चेंजेस एंड मोस्ट कैन नॉट बी क्या है ना, मोस्ट कैन नॉट बी टर्न बैक, रिटर्न, रिवर्स। अब यही चीज़ तो मैं समझा रहा था आपको, मैं आपको हर वर्ड देखिए, मैं आपको पहले रिटर्न समझाता हूँ। रिटर्न में क्या है, मान लीजिए आपका घर है, ये आपका घर है, आप यहाँ से मुंबई गए कमाने खाने के लिए, कुछ भी गए होंगे, तो आप यहाँ से क्या टर्न लिए कि आप अपना घर से क्या किए, मुंबई चले गए। अब जब वापस आओगे ना, इसको रिटर्न बोलेंगे। लिटरली जब आप मुंबई से अपने घर चले आओगे, एकदम काम कंप्लीट कर लोगे, रिटर्न कहेंगे। एक रिटर्न का प्रयोग करते हैं, जैसे हम लोग बुक भी रिटर्न करते हैं, यानी किसी से कोई चीज़ लिए होते हैं ना, वो जो रिटर्न करते हैं उसको भी क्या करते हैं, रिटर्न, तो नहीं गिव समथिंग बैक। यानी रिटर्न का और इस्तेमाल क्या होता है, गिव समथिंग बैक, यानी जिससे जो चीज़ लिया होता है वो वापस कर देते। देखिए बैक होता है ना, कभी भी बैक इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे आई एम बैकिंग, कभी इस तरह इस्तेमाल होता है क्या, नहीं इस्तेमाल होता है। आई एम कमिंग बैक, ये इस्तेमाल होता है, आई एम कमिंग बैक, आई एम गोइंग बैक, आई विल सिट बैक, कि मैं पीछे बैठूंगा, मैं आगे जाऊंगा, मैं पीछे आऊंगा। तो यहाँ कभी भी बैक आई एन जी के साथ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। बैक मतलब आई एन जी, इसका मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है। तो यहाँ कम बैक, तो ये जो कम बैक है ना, इसी का मतलब होता है रिटर्न, रिवर्स, जो कमबैक होता है रिवर्स,
है ना। समझो, कमबैक मतलब क्या होता है, रिवर्स। अब लेकिन रिवर्स इतना ही से इसका मीनिंग नहीं निकल जाता, रिवर्स का इतना में ही मीनिंग नहीं निकल जाता, रिवर्स का और भी अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। मैंने आपको अभी समझाया कि रिटर्न के केस में क्या हो रहा था, कि मान लीजिए ये आपका घर है और आप मुंबई में हो, तो यहाँ से जब तक आप कंप्लीट रिटर्न वापस आ रहे थे ना, तो आप इसको रिटर्न बोल रहे थे, है ना। आप इसी को बैक भी बोल सकते हैं, बैक टू होम, है ना। अब बात आता है रिवर्स की, रिवर्स में कभी कंप्लीट नहीं होता, बल्कि एक प्रक्रिया का बोध होता है कि वो चीज़ क्या है, वापस आ रही है, है ना, वापस आ रही है, वापस आ रही है ना। जैसे कोई काम लिया था, रिवर्स करना है ना, रिवर्स, जैसे कार में रिवर्स गियर लेते हैं, तो कार में रिवर्स गियर लेते हैं तो मतलब क्या, मतलब तय कर लेते हैं कि यार पूरा घर तक रिवर्स गियर ले लेते हैं क्या, नहीं लेते, अपनी जरूरत के हिसाब से लेते हैं, लग रहा है कि एक कट लेंगे, थोड़ा रिवर्स, फिर आगे, फिर रिवर्स, फिर काटे, मतलब एक डेफिनेट पोजिशन नहीं होता रिटर्न होने का, है ना। रिटर्न में क्या होता है, डेफिनेट प्लेस होता है रिटर्न होने का, लेकिन रिवर्स में डेफिनेट प्लेस नहीं होता, एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, समझो। रिटर्न में और भी आप रिवर्स में और क्या क्या वर्ड लिख सकते हो, तो गोइंग बैकवर्ड, पहले तो लिख सकते हो कि वापस आने, नहीं गोइंग बैकवर्ड, गोइंग बैकवर्ड, ये आपका पहला वर्ड हो सकता है, या अनडूइंग प्रीवियस एक्शन, अनडूइंग प्रीवियस एक्शन। जैसे हम लोग ऑफिस में भी रिवर्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, यानी कोई मान लीजिए कोई एक्शन डिसीजन लिए कि हम लोग को ये करना है, और बाद में पता चला कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, डिसीजन को हम लोग रिवर्स लेंगे। जैसे डिसीजन रिवर्स लेते हैं, डिसीजन क्या रिवर्स लेते हैं, जैसे बहुत सारे डिसीजन लिए होंगे तो उसमें से जरूरी नहीं सब डिसीजन को पूरा कंप्लीट रिवर्स ले लिए, पर रिवर्स ले रहे होंगे, एक प्रक्रिया का वो हिस्सा बन जाएगा कि धीरे धीरे हम क्या करेंगे, रिवर्स लेते चले जाएंगे, है ना। तो रिवर्स डिसीजन, जैसे आप रांची गए, आपको पता था रांची नहीं, हमको तो रामगढ़ जाना चाहिए था, आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे, मतलब धीरे धीरे वापस आ जाओगे, है ना, समझो। तो वही लिखा हुआ है कि जो है, जो 1976 में बहुत सारा एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव आ गया, जो टू मेनी चेंजेज आ चुके एजुकेशन सिस्टम में, उसको क्या कर रहा है, विच कैन नॉट बी रिवर्स, रिटर्न नहीं, रिवर्स। वो एक प्रक्रिया में बहुत सारे चेंजेज में आप हो सकता है दो तीन चेंजेज करके रिटर्न कर आ जाओ, लेकिन आप उस प्रक्रिया के हिस्सा अल्टीमेटली बने रहोगे, यू कांट बैक कम्प्लीटली, आप कम्प्लीटली बैक नहीं आ सकते, है ना। ऐसा हो सकता है कि अब जेई मेन्स, जेई एडवांस के तहत पूरा ऑल ओवर इंडिया में आप कुछ नया प्रक्रिया लो, कुछ चीज़ें छोड़ोगे, तो ये प्रक्रिया का हिस्सा बन जाओगे, इसलिए रिवर्स प्रयोग होगा। रिवर्स में कभी रिटर्न आने का काम कंप्लीट नहीं होता, रिटर्न में काम कंप्लीट होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। तो यार रिवर्स हो जाएगा, समझो, रिवर्स आंसर। देखिए एक वर्ड है रिट्रीट, ए बी सी एसएससी का पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखिएगा कि जब कहीं से आर्मी रिटर्न होती है ना कोई पोजीशन से, तो उसको रिट्रीट बोलते हैं, है ना। जब आर्मी किसी पोजीशन से वापस आती है उसको रिट्रीट बोलते हैं, है ना, समझो। रिवर्स बता चुका हूँ, रिट्रेंच क्या होता है, जब आप कहीं खर्चा वगैरह कमी करते हो तो रिट्रेंच बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून बोलते हैं, रिग्रेस क्या बोलते हैं, फॉर्मस और लेट डेवलप स्टेट में आना, जैसे अमीर से गरीबी में आ जाना तो रिग्रेस बोलेंगे, रिचनेस से पुअरनेस में आ जाना तो उसको क्या, रिग्रेस बोलेंगे, समझो। चलिए आगे पढ़ते हैं, फोर नंबर सवाल देखेंगे कि फोर नंबर क्या है ना। तो थर्ड नंबर पढ़ चुका, लिखा हुआ है फोर स्टांसेज, ये कॉमन नेशनल मेडिकल टेस्ट, एक मेडिकल टेस्ट नाउ अलाउज अ स्टूडेंट द ईज ऑफ अपेयरिंग फॉर जस्ट वन एग्जाम इंस्टेड ऑफ मल्टीपल एग्जाम कंडक्टेड बाय जस्ट। मैंने इसके बारे में बताया था कि अभी नीट वगैरह का एग्जाम एक ही हो जाता है, भारत में कहीं भी जाकर मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, लेकिन अगर हर स्टेट अपना अपना लेने लगे तो पूरा साल एग्जाम लेने में बीत जाएगा। कभी तमिलनाडु का देखे आ जाइएगा, वहाँ भी सिलेक्शन हो गया, बेंगलुरु में चला गया वहाँ भी सिलेक्शन हो गया, और दोनों में से कहीं एडमिशन नहीं लिया, दोनों वैकेंसी बर्बाद। लेकिन एक सेंट्रलाइज सिस्टम में यदि एक ही एग्जाम हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपको अपनी क्षमता के आधार पर एक कॉलेज चुनने को मिल रहा है, बेंगलोर में चुन लीजिए, तमिलनाडु में चुन लीजिए, जहाँ मर्जी हो, कम से कम एक वैकेंसी बचा हुआ है, सिक्योरिटी बचा हुआ है, आदि आपने चुनेगा तो कोई और चुन लेगा, अ स्टेट विल इंजॉय, है ना। अब देखिए एक ही एग्जाम पूरा ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए तमिलनाडु सरकार है, अब वहाँ की जो मेडिकल इंस्टीट्यूट होगा यदि वहाँ पर टैलेंटेड बच्चा आ जाएगा तो स्टेट को ही बेनिफिट होगा, स्टेट का ही जो मेडिकल इंडस्ट्री होगा उसमें आधुनिकता आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, पैसा आएगा, तो स्टेट विल क्या करेंगे कि काम कौन कर रहा है, सेंटर कर रहा है, सेंटर आराम से सारा एग्जाम उजाम ले दे के जो क्वालिफाइड बच्चा है उसको दे दे रहा है कि जाओ जहाँ मर्जी है चल जाओ, स्टेट क्या कर रही है, बैठ के बस इंजॉय कर रही है। यानी जो फ्लैक्सीबिलिटी है, जो लचीलापन है कि आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, जब मर्जी एडमिशन ले सकते हो, जहाँ मर्जी एडमिशन, ये जो फ्लैक्सीबिलिटी है, स्टेट क्या कर रही है, बस इंजॉय कर रही है टू ऑपरेट दियर ओन यूनिवर्सिटी, कि स्टेट यूनिवर्सिटी को फायदा हो रहा है कि उनको क्या टैलेंट मिल रहा, पैसा मिल रहा है ना। स्कूल एजुकेशन सिलेबस प्राइवेट सेक्टर, देखिए अब इतना लंबा पढ़ के मैं यहाँ पे पढ़ने हो तो मेरी बेइज्जती है, मैं काम मेरी बेइज्जती नहीं, आप बिल्कुल पढ़िए, लेकिन क्या है मैं सीधा अर्थ ही बता देता हूँ आपको, ठीक है, आप प्रयोग कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारा वर्ड है ना, और
लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश सीम्स टू हैव लॉस्ट फेवर, कि इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिया जाना, देखिए स्टेट आर ट्राइंग टू क्लस्टर क्लस्टरिंग ऑफ स्कूल क्लोजिंग डाउन अ स्मॉलर स्कूल, ठीक है, कि वो स्कूलों को क्या कर रही है, क्लस्टर कर रही है, सारे स्कूलों को आपस में जोड़ रही है। इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश सीम टू हैव लॉस्ट फेवर एट द सेंटर, कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अभी पूरी कोशिश कर रही है कि इंग्लिश को हम लिटरली ख़त्म कर दें, जहाँ पे हिंदी है जिस स्टेट में हिंदी है वहाँ सेंटर कोशिश कर रही है कि हम सारा काम हिंदी में करेंगे, लेकिन जहाँ हिंदी स्टेट में हिस्सा नहीं है वहाँ सेंटर काम कर रही है इंग्लिश में। तो लिटरली दिखता है कि सेंटर क्या कर रही है, अपने आप को इंग्लिश से दूर ले जा रही है ना, इंग्लिश से दूर कर रही है। तो इंग्लिश सीम्स टू हैव लॉस्ट फेवर एट द सेंटर इवन द सोसाइटी इज हेडेड, इवन द मतलब के बावजूद, मतलब यहाँ दिखता है कि यहाँ पर इंग्लिश का फेवर में पॉजिटिव चल चल रहा, तो यहाँ इंग्लिश के नॉन फेवर में यानी नेगेटिव चीज़ चल जाएगा, इवन द के बावजूद, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, अब ये चीज़ और समझिए, यहाँ पर इज लिखा हुआ है और यहाँ हेडेड लिखा हुआ है, यानी ये भर्ब है, भर्ब की यहाँ विशेषता बताने वाला वर्ड चाहिए यानी एडवर्ब चाहिए। ये जैसे होता है ना कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं तेज काम कर रहा हूँ, तो जो तेज वर्ड आ गया ना वो एडवर्ब आ गया। तो सोसाइटी क्या कर रही है, लॉस्ट फेवर कर रही है, इवन द जो सोसाइटी क्या हेड कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो यहाँ एडवर्ब चाहिए। तो एडवर्ब देखिए यहाँ पर ये दोनों तो होगा नहीं, यही दोनों में से कोई एक आएगा, तो इरेवोकेबली हो, यही हो जाएगा, इरेवोकेबली। इरेवोकेबली मतलब क्या होता है बताइए, यानी जिसको आप रिवोक ना कर सको ना, इरेवोकेबली मतलब क्या हो जाएगा, जिसको रिवोक ना कर सको, यानी वो चीज़ परमानेंट है ना, ठीक है, ठीक है। आगे मतलब यहाँ कहना चाहिए कि सेंटर इंग्लिश से खुद को दूर रह करिए, भले ही जो सोसाइटी है इंग्लिश की इधर धसी जा रही है, घुसी जा रही है ना, कि सेंटर खुद को इंग्लिश से दूर करिए, भले ही सोसाइटी क्या है इंग्लिश की ओर धसी जा रही है। देख रहे होंगे अभी हालत में इंग्लिश में क्या हो रहा है, स्कूल में बस सब्जी मंडी बन गया है स्कूल आजकल का है ना, समझो, दो दो तीन तीन हजार रुपये लेके सलाद काटना सिखाता है, बताओ द मूट पॉइंट विवादस्पद पॉइंट है। अब देखिए बन तो गया था, पांचवा नंबर के आगे पढ़ के क्या फायदा है ना, चलिए 30 नंबर 1 इस वीडियो का लास्ट है ना। देखिए लिखा हुआ है कोलोनाइलेजियम, कोलोनिज्म, एक वर्ड होता है कॉलोनी। कॉलोनी मतलब क्या होता है ना, कि जब आप दूसरे देश में एक एरिया अक्वायर करते हो और बहुत सारे लोग मिलके वहां जाके बस जाते हो, यहाँ पे क्या करते हो, कॉलोनी बना लेता है लोग। कॉलोनी कीड़े मकोड़ों का भी होता है, कीड़े मकोड़े भी कहीं आकर रहने लगते हैं, जगह जमा हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जब लोग भी दूसरे देश में जाके जमा हो जाते हैं उसको कॉलोनी बोलते हैं। और यदि मान लीजिए लूटने के उद्देश्य से हो, मतलब किसी देश को लूटने के उद्देश्य से यदि आप वहां जाओ किसी दूसरे देश में, तो उसको कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, जिसको हिंदी में उपनिवेशवाद बोलते हैं। जो अंग्रेज लोग भारत में किया ना उसको कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, कि वो लोग आके बस भारत में आ गए और पूरा शासन कर लिया, यहाँ के देश की संसाधनों को लूटना शुरू कर दिया। तो कॉलोनियलिज्म हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द लिप्स ऑफ द एबोरिजिनल। एबोरिजिनल मतलब ये वन और सब्स्टिट्यूशन है, एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। तो एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन, कि ऑस्ट्रेलियन के जो ओरिजिनल निवासी, एबोरिजिनल मतलब क्या, ओरिजिनल निवासी, हु वर इवेंचुअली मतलब फाइनली, आखिरकार, अंत में, है ना। तो लिखा हुआ है कॉलोनिज्म हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, कॉलोनिज्म कभी भी अच्छा वर्ड नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। तो कॉलोनिज्म हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट, एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा होगा ऑन द लिप्स ऑफ एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन, की जो ऑस्ट्रेलियन के ओरिजिनल निवासी थे उन पर, हु आर इवेंचुअली जो फाइनली आखिरकार में बाय द वाइट्स विथ ऑल पावर एंड प्रिवेंट, मतलब यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड आपसे मांग रहा है कि आखिर कॉलोनिज्म का उस पर क्या असर हुआ। तो देखिए रेज कुछ नहीं होगा, अंडरस्टूड कुछ नहीं होगा, कफ और सब्जेक्ट में हो सकता था, कफ का कोई मीनिंग नहीं बनता, इसलिए सब्जेक्ट ही सही आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कॉलोनिज्म के क्या हुआ, सब्जेक्ट करना, अधीन करना, उनको गुलाम बनाना, है ना, कि जो एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन, जो ऑस्ट्रेलियन के ओरिजिनल निवासी थे उनको क्या किया गया, सब्जेक्ट किया गया, अधीन किया गया, गुलाम बनाया गया बाय द वाइट्स विथ पावर एंड प्रिविलेज, की अपनी क्षमता, अपनी पावर से, अपनी ताकत से उसको क्या किया, सब्जेक्ट किया, गुलाम बना दिया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द कॉलोनाइजर, जो कॉलोनी मतलब, जो कॉलोनाइजर मतलब क्या होता है, उपनिवेश को जो बढ़ावा देते थे वो अंग्रेज लोग, लिटरली अंग्रेज लोग, टर्न दियर लैंड इनटू रबी स्पीड्स, एकदम गड्ढे में बदल दिया, उनकी जो खेती वाली जमीन थी उसको गड्ढा बना दिया। रबी स्पीड्स मतलब जिसे आप लोगों को पता होगा कि जब अंग्रेज भारत में आए थे ना तो खेती करने के लिए बोलते थे कि तुम अफीम का खेती करो, जबरदस्ती अफीम का खेती करवाते थे, अरे एक बार अफीम का खेती इस लैंड में कर लिया ना तो 3-4 साल फसल नहीं होता था। तो लिटरली क्या करते थे कि वो जो खेत होता था ना उसको एक रबी स्पीड में बदल देते थे, यानी अफीम उगाने के चक्कर में उस खेत को क्या तहस नहस कर देते, बर्बाद कर देते थे, एंड रबी स्पीड्स एंड, और उसके जो खेत थे, जो लैंड थे उसको या तो रबी स्पीड्स में बदल देते थे, एंड क्या करते थे कि वहां पे साइट लिखा हुआ ना, यहाँ देखते ही मैं समझ गया कंस्ट्रक्शन साइट। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्लोसारी पे ध्यान दीजिए, है ना, थोड़ा बहुत हिंदू आर्टिकल पढ़िए, आपको ग्लोसारी समझनी है ना, कि जो ग्लोसरी वर्ड है, जो उस क्षेत्र की शब्दावली उसको समझ लीजिए, जैसे साइट आ गया तो कंस्ट्रक्शन साइट प्रयोग करते,
तो कजाकिस्तान फॉर दियर ओन बेटरमेंट द अबोरिजिन्स वर ऑफन, देखिए लिखा हुआ है ओबोरिजिन्स वर ऑफन या सब ह्यूमन, तो ओबोरिजिन्स या सब ह्यूमन ये पढ़ने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर क्या नेगेटिव वर्ड चाहिए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, विथ लो स्टेटस तो लिखा जा रहा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वर, वर क्या है पास्ट टेंस में, मतलब यहाँ जो ओबरिजिन्स है ना वो काम नहीं हो रहा, उस पर काम हो रहा है, तो लिटरली यहाँ राइटर बोलना चाह रहा है कि एबोरिजिन्स कुछ कर नहीं रहा था, बल्कि एबोरिजिन्स को एक माना जाता था कि वो क्या एक सब ह्यूमन है, एक ह्यूमन का लो क्वालिटी वाला आदमी है, एक फालतू आदमी, एक डर्टी आदमी है, तो एबोरिजिन्स को माना जाता था, तो माना जाना का परसीव होता है, परसीव मतलब क्या होता है माना जाना, परसीव मतलब माना जाना, माना जाना या परसीव मतलब परसेप्शन भी होता है, परसेप्शन कि किसी का मत है ना, कि एक मत था, एक परसेप्शन था, एक माना जाता था कि जो क्या है एबोरिजिन से एक बहुत लो क्वालिटी के आदमी है। द वाइट्स नॉट ओनली डिस्प्लेस दियर ट्राइब्स ऑफ दियर होमलैंड, जो अंग्रेज लोग थे ना ही सिर्फ उनको अपने होमलैंड से अलग कर दिए, बट आल्सो मतलब दिखता है कि यहाँ पर भी नेगेटिव वर्ड चाहिए है ना, है ना, बट आल्सो क्लेम नहीं होगा, यूटिलाइज नहीं होगा, फेडी तो पॉजिटिव वर्ड है, डिस्ट्रॉयड होगा है ना, डिस्ट्रॉयड द ब्यूटी एंड बैलेंस ऑफ द नेचुरल वर्ड, आपको मेरे पास पढ़ने में मजा आ रहा होगा है ना, पढ़ने में जरूर मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैं जो नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड की बताता हूँ ना लिटरली ऐसा कोई नहीं बताता, कि मैं वर्ड को देख के बस पहचानने की कोशिश करता हूँ कि यार नेगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव वर्ड है, मतलब अर्थ क्या दे रहा है, और उसके आधार पर मैं ज़्यादातर ऑप्शन डिसलेक्ट करके सीधा आपके सामने ऑप्शन रखता हूँ, और एक्चुअली वो फिट भी बैठता है उस चीज़ को, तो बस मेरी तरह थोड़ा सोचना कीजिए, देखिए टीचर के पास पढ़ने का फायदा नहीं है, आप क्लोज टेस्ट बनाओ, पर किस बात का है कि टीचर की तरह आप सोचना शुरू कर दो, ठीक है, ठीक है, तो बस यही है। तो जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्रों पर भी पत्थरों की पुल बना देते हैं, समझो, जो मंजिलों के पाने की चाहत रखते हैं वो समुद्र पर भी पत्थर का पुल बना देते हैं, तो भैया आपका है नहीं, आप भी मेरी तरह सोच सकते हो, आप भी मेरी तरह सोच सकते हो, आप भी मुझसे भी बेहतर कर सकते हो, सकता है मुझे आपसे कुछ जानने का मौका मिले, अगर आपको लगता है कि इस क्लोज टेस्ट में कुछ और भी तरीका हो सकता था आप मेरे कमेंट में जरूर कमेंट करना, आई विल वेट एंड आई विल श्योरली रीड योर कमेंट्स, ओके। एंड इंक्रीज इन डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन जंगली का कटाव बढ़ा, जंगली जंगल का उड़ना बढ़ा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल लैंड, लीड बढ़ावा दिया, किस चीज़ को बढ़ावा दिया, लीड लीड लाइक एमओ क्या जानवर है, एनिमल है, और एनिमल के लिए हम लोग फौना इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये मिनी खत्म हो, एक्चुअली वीडियो लंबी चली लेकिन आपको बिल्कुल बहुत चीज़ें सीखने को मिली होगी, तो धन्यवाद।